ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो पिछले 6 दिनों में आपने श्रीमद् भागवत की महिमा, श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव भगवान का जन्म, उनके 100 पुत्रों को उपदेश और ऋषभदेव भगवान का अपने नित्य धाम में प्रवेश करना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी वृंदावन लीला में पूतना का उद्धार और वेणुगीत के माध्यम से आपने भगवान श्री कृष्ण के श्री वृंदावन धाम के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन अपने हृदय स्थल पर किया और आज श्रीमद् भागवतम के विश्राम दिवस पर हम आज श्रीमद् भागवत का विश्राम कर रहे हैं। परंतु इस स्थान पर विश्राम होगा, लेकिन वैसे तो इसका विश्राम कभी होता नहीं कि अन्य स्थान पर भागवत पुनः प्रारंभ होता है। तो आज हमारा क्रम भगवान कृष्ण के अद्भुत भक्तों का श्रवण, भगवान के अद्भुत भक्त मुचुकुंद का इस धराधाम से उद्धार, मुचुकुंद के पूर्व जन्म की कथा और उनके आने वाले जन्म की कथा, श्री सुदामा जी महाराज का भगवान का स्वागत और उनका सुदामा को वरदान देना, सुदामा चरित्र, और अंत में रुक्मिणी माता के विवाह के साथ आज के आयोजन को पूर्ण किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरारे हे नाथ नारायण वास।
नाथ नारायण वासुदेवा। पिता माता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सईद इब्राहिम खान। और सन 1548 की बात है, सईद इब्राहिम खान जो कि एक सूफी घर से अफगानिस्तान के रहने वाले थे, परंतु भारत के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश कहा गया सईद इब्राहिम खान को, और कई जगह पर उनको दिल्ली का बताया गया। तो उनके बारे में कई सारी अलग अलग कथाएं वर्णन करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपने पुत्र के बड़े प्रेमी थे, तो किसी भक्त ने कह दिया जितना प्रेम अपने पुत्र से करते हो, अगर इतना भगवान से करते तो तुम्हें भगवान मिल जाते हैं। तो ये बात उनको चुभ गई। कई जगह पर ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र देखा, और चित्र देख लिया, और चित्र देख करके उनके मन में ये भाव आया, पूछा ये कौन है। तो हिंदू एक व्यक्ति ने कहा ये भगवान श्री कृष्ण है। कहा ये इतने छोटे से हैं? बोले हाँ, छोटे भगवान हैं, पर इनके कारनामे बड़े बड़े हैं। इनको अपना विशाल शरीर नहीं करना पड़ता है, ये छोटे ही रूप में सारे काम करते थे, यही इनकी भगवत्ता है।
अन्यथा भगवान के अलग अलग अवतारों में भगवान को अपना रूप विशाल, वामन रूप में बड़ा, नरसिंह रूप में बड़ा, वराह रूप में बड़ा, रूप बड़ा करना पड़ता है विशाल काम करने के लिए। लेकिन कृष्ण छोटे से ही लेटे लेटे पांव का स्पर्श किए तो शक्तासुर का उद्धार हो गया, पूतना का केवल स्तनपान किए तो उसको मुक्ति देके धात्री का उद्धार कर दिया। छोटे से ही कृष्ण ने अगासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, अनेक अनेक असुरों का उद्धार किया। तो उन्होंने मन में प्रश्न किया, ये छोटा सा बालक क्या वृंदावन में नंगे पांव चलता है? कहा, ये कभी अपने पांव में जूते धारण नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को तो जूते पहनाने चाहिए। कहा, अगर मिल जाए तो पहना लो, लेकिन मिलता नहीं है किसी को। अगर किसी को मिल जाए तो पहना लो। तो हाथ में फोटो के हिसाब से जैसा उन्होंने स्वरूप देखा था भगवान का, वैसी छोटे छोटे पादुका बना करके ठाकुर जी के लिए लेकर ढूंढने निकल गए। अन्य लोगों से पूछते थे, भाई ये कहाँ मिले गए? उन्होंने कहा, वृंदावन में। अब एक सूफी व्यक्ति को, इस्लामिक व्यक्ति को क्या पता वृंदावन की महिमा? भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पता वृंदावन कहाँ है। अभी थोड़ा सा इंटरनेट के कारण लोग बांके बिहारी समझ गए, इसके अलावा भी उनको वृंदावन की महिमा मालूम नहीं। 84 कोस ब्रजमंडल 252 किलोमीटर की परिधि के अंदर हर जगह ठाकुर जी दर्शन देते हैं। लोगों को केवल निधिवन में ठाकुर जी दिखते हैं। अरे निधिवन के अलावा क्या ठाकुर जी नहीं है? मतलब फिर तो बेकार हो गया सारा वृंदावन, फिर तो महावन, गोकुल, सब बरसाना सब बेकार हो गया। केवल निधिवन में ही भगवान आते हैं, रात को पान खाते, बाकी जगह नहीं खाते। ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं हर वन के अंदर, हर जगह। 137 वन है, जिनमें से 12 मुख्य वन है। उन 12 मुख्य वनों में श्री वृंदावन धाम की महिमा ऑनलाइन के माध्यम से पूरा विश्व जानने लगा। और सबसे बड़ी कृपा हुई इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद जब अमेरिका चले गए और अमेरिका में जाके वृंदावन का प्रचार किया। और अंग्रेज जब भारत में आए और वृंदावन में घूमने लगे तो अंग्रेजों के मंदिर के नाम से हमारा जो भगवद गीता और कृष्ण भक्ति का प्रचार था उसे एक स्टैंप लग गई, अंग्रेजों का मंदिर। और जिस भी चीज में अंग्रेज लग जाता है वो चीज पॉपुलर हो जाती है। पहले जब मैं प्रचार करता था तो लोग बोलते थे, अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से पढ़े हैं? मैं, क्या जरूरत है, भक्त हैं, बस बता दो कि कृष्ण भक्ति करते हैं और प्रचार करते हैं। करे नहीं प्रभु जी, ऐसे बोलने पे कोई आता नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो बताओ बताओ आप। मैं कहा नहीं, ऐसे बता दो, पढ़े लिखे बस इतना बोल दो। फिर भी देखा तो 10-15-20 लोग आया करते थे। एक बार उन्होंने मैसेज भेज दिया, जो मेरी ओरिजिनल डिग्री मैंने पढ़ाई की, बोले प्रभु जी ने MBA किया, प्रभु जी ने विज्ञान पढ़ा, साइंस पढ़ा, प्रभु जी ने लंदन से फार्मा पढ़ा, और अब प्रभु जी गीता का प्रचार। देखा तो भीड़ पूरी लोग थे। तो लोग किसको देखने आए थे, लंदन रिटर्न को देखने आए थे या कृष्ण को देखने आए थे? बस ये भौतिक संसार की दृष्टि ऐसी है, इंपॉर्टेंट चीज लगा दो तो लोग देखने आएंगे। लेकिन अगर बोलो भारतीय व्यक्ति बड़ा विज्ञानी है, इसको शास्त्र आते हैं, तो कोई सुन नहीं, पंडित जी कहकर उसका मजाक उड़ा देंगे। तो ये वेदना का विषय है, कष्ट का विषय है। और मुझे तब ग्लानी हुई जब मैंने खुद अपने, जब मैं विदेश कंपनियों के लिए काम किया करता था, विदेश से पढ़ा था, और मेरे क्लाइंट भी सारे यूरोपियन थे, तो मैं भारतीय लोगों के साथ रहता नहीं था, मेरा पहनावा, मेरी सोच विदेशी हो गई थी। एक दिन मैं, क्योंकि भगवत कृपा से हमारा जन्म 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर मथुरा धाम में हुआ, तो परिवार से वो शिक्षा मिली कि कृष्ण भक्ति होती है, लेकिन उसको प्रगाढ़ता से एक पूजा पाठ समझा, लेकिन कभी उसको हृदयंगम नहीं किया, हृदयंगम यानी हृदय के अंदर नहीं बिठाया। तो एक बार मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था परिवार के साथ, तो देखा एक रशियन व्यक्ति है और एक पुस्तक बांट रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है सेकेंड चांस, मृत्यु की पराजय। अजामिल ने किस प्रकार ब्राह्मण घर में जन्म लेकर अपने पद से च्युत हो गए, और अंत में वही अजामिल को जब अंत में यमदूत लेने आए तो वो घबरा गया देख करके कि तूने इतने दुष्ट कार्य किए, ब्राह्मण घर में पैदा होकर ये सब करना चाहिए, तुझे शर्म नहीं आई प्याज खाते हुए, तुझे शर्म नहीं आई भगवान को भोग ना लगाते हुए? जब यमदूतों को देखा, लेकिन अंत में उसने अपने पुत्र का नाम नारायण बोला, तो जब जोर से चिल्लाया नारायण, वो इतने धीरे तो नहीं आएंगे भगवान, नारायण,
जब ऐसे चिल्लाया यमदूतों को देखकर भयानक, तो तीन यमदूत आए थे, क्योंकि तीन कर्मों के दूत आते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी पाप करोगे मन से वचन से और कर्मों से, उनके लिए तीन दूत आते हैं। तीन गुणों की रस्सी में हम बंधे हैं, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। इन तीन रस्सियों से खींचकर जीवात्मा को बाहर निकालते हैं। और चार विष्णु दूत आए क्योंकि उसने चार अक्षर बोले थे, ना रा या अंत में। अगर आपने अंत में बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने अक्षर हैं? 32 विष्णु दूत आएंगे आप लेने के लिए। तो चार विष्णु दूत आए और उनके सी बीच संदर्भ हुआ, जब मैंने ये पढ़ा कि तुम ब्राह्मण होकर के तुमने यह कार्य किया, तुम विदेश तुम ये काम कर रहे थे, तुम वो काम कर रहे, तुमने भक्ति नहीं करी, जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कभू न कृष्ण कहो। मूर्ख है वो व्यक्ति जिसने मनुष्य शरीर पाकर भी कृष्ण का भजन नहीं किया। ये सब पढ़कर तो मेरे हाथ पर कांपने लगे। मैंने कहा ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, कृष्ण भक्ति वाला हुआ, मथुरा के रहने वाला, फिर भक्ति नहीं करता, अब तो बेकार लालत है तेरे जीवन पे। और देख कौन रहा है, एक रशियन व्यक्ति बता रहा है, प्रभु जी गीता पढ़िए माला जपिए, और शर्म से पानी पानी मन किया, यहीं गोविंद कुंड में कूद कर आत्महत्या कर ली जाए। लेकिन परिवार के लोग बोले नहीं नहीं भक्ति करो, हमारे तो परिवार में लोगों ने भक्ति करी है, हमारे घर में ऐसे ऐसे महात्मा हुए, हमारे परदादा, दादा के भी दादा, परदादा इतनी भक्ति करते थे, जब उनके प्राण निकले तो उस समय भी वो ठाकुर जी की पिचकारी से होली खेल करके जप कर रहे थे, हरे कृष्ण और करते करते बच्चों को पता ही नहीं चला वो ठाकुर जी के ऐसे सिर रख गए थे, बोले कितनी देर प्रणाम करेंगे, जब देखा तो पता चला कि ये तो शरीर छोड़ चुके हैं। तो घर में ऐसी भक्ति के माहौल वाला व्यक्ति विदेश में चला गया है, तो फिर जब वो किताब पढ़ी तो लगा कि अभी उसका नाम भी था सेकंड, भगवान ने फिर तुम्हें सेकंड चांस दिया, अभी तुम्हारे पास मौका है, घूम जाओ। उस दिन से मैंने प्लान बनाया और भक्ति पकड़ ली और प्रगाढ़ता से इतने 20 वर्षों से प्रचार प्रारंभ कर दिया। तो ये भाग्य पूर्व जन्म के कर्म से कभी कभी ऐसे भक्त मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, समझाते हैं। अन्यथा संसार में लोग, आप मेट्रो में जाएं, आप ब्रिज पर खड़े हों, पुल के ऊपर, कोई किसी को पूछता है सीने में जलन और दिल में एक तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों, सब परेशान है, तेज गति की गाड़ियां चल रही हैं, कोई इधर से उधर, कोई इधर से उधर। आप कभी कभी 5 मिनट किसी ओवर ब्रिज पर खड़े होकर के देखिएगा, इतनी आवाजें आएंगे आप दुखी हो जाएंगे, हमें कहाँ जन्म लिया इस जीवात्मा ने इन गाड़ियों की ची ची पी पी सुनने के लिए, और कहाँ वृंदावन के वो कदम्ब कानन वृक्ष आपका इंतजार कर रहे हैं कि कभी आएंगे आप भक्त, उसमें बैठेंगे जप करेंगे। तो वो भक्त भी जानते तो थे नहीं वृंदावन की महिमा को, हाथ में चरण पादुका ले रखी थी ठाकुर जी की। तो एक बार उनकी मुस्लिम लोग इस्लामिक दिल्ली से एक यात्रा जा रही थी आगरा की ओर, तो रास्ते में एक जगह पट्टी लिखी थी पुरानी, बहुत बड़ा रोडवेज नहीं था, लिखा था श्री वृंदावन धाम। तो सईद इब्राहिम खान के मन में आया, मैं भी चलो जरा देखूं वृंदावन धाम क्या है। तो वृंदावन धाम के अंदर प्रवेश किया और ठाकुर जी के एक मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन लंबी दाढ़ी सिर पे टोपी, तो वहां के जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जिसे कहते हैं हिंदुत्व को डंडे के जोर पर चलाने वाले ऑर्थोडॉक्स हिंदू, जिनके कारण कई सारे हिंदू मुसलमान बन गए, क्योंकि पहले जमाने में लोग अगर कोई हिंदू मुस्लिम की ओर देख ले, उसकी परछाई पड़ जाए, उसके पानी पी ले, उसके यहाँ खाना खा ले, उसका अगर पानी पीकर थूक दे कोई उसके ऊपर, उसकी स्पिट के बूंद कुछ छींटे गिर जाए, तो भी उसे मुसलमान मानते थे, जाति विहीन करते थे। इस ऑर्थोडॉक्स नेचर के कारण वो सनातन का जो विशाल हृदय था उसको हिंदुत्व के ऑर्थोडॉक्स सोच के लोगों ने छोटा कर दिया, और इस कारण से कई सारे हिंदुओं का पलायन मतलब अदर जातियों में हो गया, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई मुसलमान बन गए। अगर हमारी इस्कॉन की तरह की बड़ी सोच होती कि जगत के नाथ तो सबके हैं, एक के क्यों, और सबको स्वीकार करो, हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, तो बस आज हिंदू बहुत विश्व विख्यात होते। इस सोसाइटी का कम होने का कारण है क्योंकि हमारी सोच छोटी थी। तो उन्होंने घुसने नहीं दिया सईद इब्राहिम खान को मंदिर के अंदर, कहा नहीं नहीं तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। तो रोने लग गए,
कि ठाकुर जी हे कृष्ण मैं आया था आपके लिए लेकर, अब कभी देखा नहीं उन्होंने विग्रह, एक फोटो देखा था बस, एक चित्रपट के आकर्षण में वृंदावन पहुंच गए। उधर जो उनके लोग थे वो कह रहे हैं अरे पागल हो, नहीं ले रहे तो मत चलो, अपनी मस्जिद में कितना सम्मान होता है, यहाँ तुम मंदिरों के धक्के खा रहे हो, पुजारी तुम्हें आने दे, छोड़ो इनको, अपनी जाति में रहो, काफिर क्यों बनते हो, चलो। वो इमोशनली, क्योंकि भक्ति का एक एक मतलब है इमोशंस गिव्स यू डिवोशन, जहां इमोशन लेस है ना, जो इमोशन लेस है वो डिवोशन लेस है, कि जिसके अंदर इमोशन है वही व्यक्ति तो अपने इमोशंस को भगवान की ओर ले जा सकता है, जिसमें इमोशन ही नहीं है, ड्राई है, उसे किसी से प्रेम नहीं है, कह दुखी हो गया हूं संसार से, मुक्ति चाहता हूं, ये भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति वही कर सकता है, कहता है नहीं संसार का कल्याण कैसे होगा प्रभु जी, कोई तरीका बताइए शास्त्रों में से। जो प्रेम करता है वही भगवान से भी प्रेम कर सकता है, और जिसने कभी संसार से प्रेम नहीं किया वो भगवान से क्या प्रेम करेगा। ड्राई नहीं होना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेम और आसक्ति में फर्क, आसक्ति होती है कि बस रस्सियों से बंध करके बैठे हुए हैं, पसंद नहीं है परिवार, गाली दे रहे हैं लेकिन वहीं रह रहे हैं, और एक होता है प्रेम कि तुम मुझे मारो पीटो कुछ भी कहो मैं तुम्हारे कल्याण का ही सोचो। जब प्रहलाद महाराज को लेने के लिए भगवान आए नरसिंह, तो भगवान ने कहा चलो, प्रहलाद कहते हैं नहीं प्रभु तब जाऊंगा जब मेरे असुर कुल का एक एक बच्चा आपका नाम लेकर मुक्त हो जाएगा, तब अंत में जाऊंगा, अभी जल्दी नहीं जाने की। इसे कहते हैं प्रेम, संसार का कल्याण। तुम्हारी कोई इच्छा है प्रहलाद, कहते हैं एक ही इच्छा है कि मेरी कोई इच्छा ना रहे, ऐसी भक्ति प्रहलाद ने करी, आज तक लोग उनका स्मरण करते हैं। सैयद इब्राहिम खान ने ज्यादा श्रवण नहीं किया था, केवल एक चित्रपट के आकर्षण से बैठे रहे। उनके मुस्लिम लोग बोले तुम देरी कर रहे हो, वहां मस्जिद में मीटिंग है, वहां जाना है आगरा, हम जा रहे हैं। कहा ठीक है तुम पहुंचो मैं पीछे से आता हूं। रात तीन बीत गई, तीन रात बीत गई, भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन मुख से एक पुकार हो रही है, वो जानते भी नहीं भगवान कौन, क्या नियम, केवल नाम की ऐसी महिमा थी। नाम बोले जा रहे भगवान का, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रुदन कर रहे हैं इमोशन के साथ, कृष्ण तुम नंगे पांव चलते होगे, वन में तुम्हें कांटे लगते होंगे, उनको ये नहीं पता कि द्वापर काल में प्रभु तो चले गए नित्य लीला समाप्त करके, अभी कौन है वृंदावन में, वृंदावन में रहने वाला भी नहीं जानेगा कि कृष्ण वृंदावन में आज भी हैं। लेकिन एक मुसलमान को इमोशन था कि कृष्ण है वृंदावन में, उसने कहा कहीं तो होंगे ठाकुर जी, लीजिए ना अपनी चरण पादुका, मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपके पांव में कांटे लगते होंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। प्रेम के रस में भरकर प्रभु को कंटक पथ पर चलते देखा, कांटों के पथों पर चलते हैं प्रभु प्रेम के रस में। गायों के अंदर इतना प्रेम है, कृष्ण हमें गौचरण में लेके जाएंगे तो हम गायों के अगर जूते नहीं, तो कृष्ण कहते मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। प्रेम के रस में भरकर प्रभु को कंटक पथ पर चलते देखा, देखा चरण चिन्ह आपने कल श्रवण किया, भगवान के चरण चिन्ह बनते हैं पृथ्वी पर, नंगे पांव चलते, कांटे चुभ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भक्त अगर मेरी गाय तक जूता नहीं पहनेगी तो मैं कैसे, ये भक्ति है। अगर मैं हूं, मान लीजिए मैं टीचर हूं, अध्यापक हूं, गुरु हूं, शिक्षक हूं, जो माने, और मुझसे जुड़े हुए लोग अगर नंगे पांव चल रहे हैं तो गुरु जी ऊपर बैठकर चले, ये ठीक नहीं है। आचरण से ही आचरते करे प्रचार, आचरण से प्रचार करना चाहिए। अगर भक्तों के नंगे पांव तो गुरु जी के भी नंगे पांव, तो ये प्रभु कर सकते हैं तो एक इंसान नहीं कर सकता। इसे कहते हैं अच्छा गुरु, असली गुरु। गुरु जी बैठे ऊपर एकदम सोने सिंहासन पर और बेचारे नीचे भक्त जो है मर रहे गिर रहे, ऐसे नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। तो इस भाव से श्री वृंदावन धाम में उन्होंने इंतजार किया, कृष्ण 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 कृष्ण, तो देखते हैं तीन दिन के अंदर कृष्ण का हृदय पिघल गया और वो कृष्ण ने सैयद इब्राहिम खान को हृदयंगम किया, अपने हृदय से लगाया, और रात्रि काल में आए और बैठ गए, और पांव के अंदर भगवान ने अपनी लीला ऐसी करी, उसको दिव्य चक्षु दिए, अपने पांव में रक्त निकलता दिखाया कि देखो रक्त निकल रहा है। भगवान के कोई रक्त निकलता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के कोई रक्त निकलेगा, लेकिन लीला के लिए भगवान ने उसको रक्त दिखाया, दर्शन दिए, और उसी गोदी में बैठे बोले बस अब तेरा काम हो गया, तू जा।
बोले अब कहां जाऊंगा, अब तुमको देख लिया, अब कहीं जा नहीं सकता हूं। तो वह रसराज कृष्ण का संग पा करके वह सैयद इब्राहिम खान क्या बन गए, रस खान। क्या बन गए, रस खान। और वो रस खान क्या कहते हैं, उन्होंने इतने पद लिखे हैं, उसमें एक सुंदर पद हम श्रवण करेंगे। क्या भाव है एक भक्त का, मुक्ति भाव नहीं है भक्त का, भक्ति भाव है भक्त का। क्या भाव है, मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वाल। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वाल। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वाल। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, जो पशु हो तो कहां बस मेरो। चरो नित नंद की धेनु मझारन, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, पाहन हो तो वही गिर को। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदंब की डारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल नंद के ग्वाल। वही रस खान, बसो मिली गोकुल नंद के ग्वाल। देखिए रस खान का क्या भाव है कि अगर प्रभु मुझे अगला जन्म देना है ना, इसमें तो मुसलमान बना दिया, एक ऐसा जाति में मनुष्य बना दिया कि तुमसे प्रेम नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगला जन्म अगर दो तो मुझे मनुष्य अगर बनाना चाहो, अगर मनुष्य बनूं अगले अपने कर्मों से, तो मुझे गोकुल की अंदर ही जो ग्वाले हैं इनके मध्य लाकर रख देना, क्योंकि कभी कभी कृष्ण मेरा स्पर्श करेंगे। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वाल। गांव के ग्वालों के बीच में लेकर आओ तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वाल। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरु नित नंद की तेनु मजार। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरु नित नंद की धेनु मजार। अगर पशु बनाओ, मेरे कर्म ऐसे हैं, मैंने इतना मांस खाया है, मैं मुसलमान था, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मेरे परिवार ने मुझे मांस खिलाया। एक जीवात्मा को क्या पता मांस और प्याज और लहसुन और क्या है, माता पिता उसको संस्कार देते,
बोले मेरा जन्म से मेरा जन्म ऐसा हो गया, इस घर में मुझे सिखाया, मेरी गलती क्या है, अगर इस कारण से मैं पशु बन जाऊं, अधम योनि में जाऊं, तो पशु बनाना तो नंद गांव की गाय बनाना, क्योंकि जब नंद गांव की गाय बनाएंगे तो ठाकुर जी रोज गौ चरण में लेकर जाएंगे, तो जब वो अपनी वंशीवादन करेंगे, वेणु गीत गाएंगे, तो कभी कभी मेरी पुंछ पर, मेरी पिष्ट पर, मेरे मुख पर अपना स्पर्श करेंगे, और कभी कभी प्रेम में भरकर मेरे गले में कंडुयन करेंगे, प्रेम करेंगे, तो मुझे कृष्ण का आनंद प्रेम स्पर्श मिलेगा। इसलिए अगर पशु बनाना चाहे तो नंद की गाय बनाना। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारो। पाहन तो वही गिर को जो धर्यो छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी अगर पत्थर बनाओ, अगर चेतन से जड़ बना दो, पत्थर बनाओ, और तो पत्थर बनाना उस गिरिराज गोवर्धन का जिसको कल ही ठाकुर जी ने आपके लिए यहां पर धारण किया है, तो कम से कम जब जब कृष्ण गोवर्धन लीला करेंगे तब तब उनके हाथ का स्पर्श होने से मैं रोमांचित हो जाऊंगा, और जब जब कृष्ण बलराम गिरिराज गोवर्धन पर चरण वंदन करते हुए चढ़ेंगे ऊपर, उनके चरण चाप पड़ेंगे, चरण चिन्ह पड़ेंगे, तो उनके चरण स्पर्श से मैं आनंद विभोर हो जाऊंगा। इसलिए अगर पाहन बनाना है तो उस गिरिराज का बनाना जिसे ठाकुर जी ने इंद्र को शिक्षा देने के लिए अपने हाथ में धारण किया है। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूल कदंब किडारन। जो खग हो तो बसेरो करो कालिंद कूल कदम की डारन। प्रभु अगर आपने खग बना दिया, अगर मुझे पक्षी बना दिया, तो कोई बात नहीं, पक्षी बनाना तो उस यमुना के किनारे पक्षी बनाना जिस कालिंदी यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी कभी कभी अपनी लीला करने के लिए अपने भक्तों के साथ स्नान करने आते हैं, गेंद खेलने आते हैं, तो कभी कभी मैं पक्षी बनकर बैठा रहूंगा और उस कदंब की डाल पर बैठकर ठाकुर जी की उन दिव्य लीलाओं का दर्शन करूंगा। लेकिन जब भी देना तो इस वृंदावन में ही मुझे वास देना। ये उसका भाव, तो इस भाव से श्री रसखान जी जाने जाते हैं कि वो रसखान हो गए। रस खान को इतने ठाकुर जी इतने दयालु हैं, जिनको दास दुनिया के सारे देवता प्रणाम करते हैं, वो गोपियों की छोटी सी छाछ का पान करने के लिए क्या बन जाते हैं, गोपी ड्रेस पहनते हैं। गोपियां रोज बरसाना से साखरी कोर से जब मटका लेकर कर देने के लिए कंस का जाया करती थी, तो ठाकुर जी उनकी मटकी से मक्खन दूध छाछ का पान करते हैं। तो एक दिन गोपियों ने कहा आज पकड़कर ठाकुर जी को शिक्षा देंगे। शिक्षा देने के लिए पकड़ लिया और पकड़ करके उनको कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे सर पर मटकी रखेंगे और तब तुम देखना जब मटकी में हम कंकड़ मारेंगे और मटकी से छाछ निकलेगी तुम्हारे ऊपर गिरेगी तब कितना कष्ट होता है। तो कृष्ण का ठीक है रख दो मटकी। बोले ऐसे थोड़ी मटकी रखेंगे, तुम्हें उसके लिए हमारे जैसे वस्त्र परिधान भी पहनने पड़ेंगे। तो गोपी ड्रेस, ऊपर चोली नीचे घाघरा उस पर चुन्नी। सोचिए ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया लाल गोपी ड्रेस पहनकर कैसे लगे होंगे। और फिर जब कृष्ण सांखरी खोर, सांखरी यानी पतली, उससे निकले हैं तो कहते हैं प्रेम गली अति सांखरी जा में दो न समान। कौन दो, या तो मैं या तो कृष्ण। अगर आपके हृदय में कृष्ण है तो मैं नहीं आनी चाहिए, मैं मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे प्रभु तूने ये नहीं दिया, तो मैं कहां से आ गया। अगर प्रेम है तो मैं नहीं रहेगा, हरि रहेंगे, और हरि रहेंगे तो फिर मैं रहेगा। प्रेम गली अति सांखरी, सांखरी यानी पतली, प्रेम गली अति सांखरी
जा में दो न समान। या तो मैं या तो हरि, आपके में कौन रहता है? हरि। अरे पता चल जाएगा लड्डू नहीं मिलेंगे तो महाप्रसाद दौड़ दौड़ कराएंगे स्टेज पे। मैं रहता है ना, दोनों रहते हैं तो रह नहीं सकते दोनों, तो ये हो ही नहीं सकता, ये नाटक है, दोनों नहीं रह सकते। ये अगर हम बोलते हैं हाँ हाँ प्रभु थोड़ा थोड़ा मैं है, थोड़ा थोड़ा प्रभु है, तो ऐसे प्रभु ऐसे ऐसे करके नहीं आते, आधा पैर रख दिया, थोड़ा तू रह ले थोड़ा मैं। प्रभु तभी आते हैं जब पूरा घर, आपको किराए का मकान लेना हो तब कैसे होता है कि दो कमरे दे दिए पुराने वाले किराएदार ने, हमारा थोड़ा चला गया, थोड़ा उसका रह गया है, वो थोड़ा थोड़ा जा रहा है, हम थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, कंपनी चेंज करते हैं, नौकरी लेते हैं, पुराना वाला थोड़ा थोड़ा रह गया है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, ऐसे होता है। या तो वो रहेगा या तो तुम रहोगे, है ना, मकान में पुराना किराएदार जाएगा तब नया किराएदार, मैं जाएगा तो हरि आएंगे। तो साखरी में जब लेके गए ठाकुर जी को, मटकी पे कंकड़ मारे, मटकी फूट गई, ठाकुर जी का पूरा अभिषेक हो रहा है और गोपियां ताली बजा रही है, हरि बोल। और ठाकुर जी खड़े हुए हैं, अब देवता जो देख रहे हैं, अन्य गणेश जी, शिव जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र देख करके हैरान है। रसखान उस भाव को लिख रहे हैं, शेष गणेश महेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाहे निरंतर गावे, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश साहू जाहे निरंतर, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बतावे, ताहे अहिर की छोहरे छची या बर छाच पे नाच नचावे, ताहे अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश जाहे निरंतर गावे। शेष यानी शेषनाग, गणेश यानी गणपति, महेश यानी शिवजी, दिनेश यानी सूर्य, सुरेश यानी इंद्र, जिसे निरंतर गाते हैं अपने माला में, वो देखकर हैरान है कि प्रभु कौन है। अनादि, उनसे पहले कोई नहीं हुआ, कृष्ण से पहले कोई भगवान नहीं था इस संसार में, और अगर आप जान रहे हैं तो आप गलत जान रहे हैं, पढ़िए भागवत लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसका सार है अनादि। मैंने नहीं कहा, सैयद इब्राहिम खान ने कहा, मुसलमान ने कहा, हिंदू नहीं जान रहे, मुसलमान जान रहा है रस खान, जा है अनादि अखंड अनंत अभेद सुवेद बतावे, जा है अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, छछियावर छाछ पे नाच नचावे, ताहे आहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा रूप देख करके देवता भी हैरान है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए तो ब्रह्म विमोहन लीला हुई, इंद्र भ्रमित हो गए तो भगवान ने गिरिराज धारण करके इंद्र के मान को भंग किया, ए इंद्र हट, कोई नहीं है तू मेरे आगे। ब्रह्मा सृष्टि का जीव, लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन है ना, अगर तीन है तो ब्रह्म विमोहन लीला में आज भी वृंदावन में चौमुहा में जाइए, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा भगवान कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को जो नहीं समझते वो कंस वंशी होते हैं, तो कृष्ण को सोचते हैं अच्छा विष्णु जी के अवतार आए ना एक छोटे कृष्ण भगवान थोड़ी देवो सुना है हमने हम गए वृंदावन मथुरा बाकी बेरी लड्डू पेड़ा सब खाया हमने। ये कंस वंशी है। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता वो कंस वंशी है, क्योंकि कंस के घर में स्वयं भगवान के अवतरण होने के बाद भी कंस मामा ये मानने को तैयार नहीं है कि श्री कृष्ण ही भगवान। कंस ने अपनी पिता उग्रसेन को बंदी बनाया है और अपनी मां, कंस की मां का नाम क्या है? नहीं पता? स्वागत। कंस की मां का नाम क्या है? पद्मावत। उग्रसेन और पद्मावती से कंस का जन्म हुआ है और ये कंस जो है कृष्ण को भगवान मानने को तैयार, सभी प्रयास कर लिए। तब भगवान जब 11 साल 56 दिन के हुए तब अक्रूर जी श्री वृंदावन धाम गोकुल से लेकर के भगवान कृष्ण को मथुरा आए। तो किसको लेकर आए? कृष्ण कहते हैं वृंदावन परित्याजम एकम पदम न गच्छति, वृंदावन का त्याग करके मैं एक कदम भी नहीं जाता हूं। तो किसको लाए? वसुदेव कृष्ण और नंद नंदन कृष्ण जो आपस में मर्ज हुए थे जन्म लीला में, आज उनका सेपरेशन हो रहा है। वसुदेव कृष्ण को रथ पर आरोहण करके ले आए। अक्रूर जी ने दिव्य भगवान के नारायण स्वरूप का दर्शन किया, मथुरा में प्रवेश हुआ। कंस ने क्वालिया पीड़ हाथी को मदमस्त करके भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास किया। ठाकुर जी ने धनुष शिव जी का भंग किया और मथुरा वासियों को आनंद दिया अपनी अपनी अपने स्वरूप से। धोबी का उद्धार किया, कुबड़ा का कुब्जा का उद्धार किया और ठाकुर जी ने कंस के युद्ध में उनके 5 योद्धा शल तौशल मुष्टिक चाणूर आदि का वध करके कंस का भी वध कर डाला और घसीटते हुए उसके बालों को, ठाकुर जी घसीटते उसके बालों को लेकर के तो एक खोर बन गया, गड्ढा बन गया जहां से इतना भारी भरकम कंस को, और कृष्ण दिखाया कि मैं 11 साल का बच्चा हूं और इतने भारी कंस को मैंने धराशायी कर दिया और ज्यादा कुछ मैंने सुदर्शन चक्र से नहीं मारा भगवान ने, मुष्टिक प्रहार से 11 साल के डप करके कंस समाप्त। तो कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं वो उनकी किसी अवतार में भी नहीं है, इसलिए कृष्ण भगवान है। कंस जब मर गया तो उसकी 2 पत्नियां, क्या नाम है कंस की पत्नियों का? अस्थि प्राप्ति, बिल्कुल सही माता जी ने बताया, अस्थि और प्राप्ति, ये पुत्री हैं जरासंध की। जरासंध जिसका जन्म हुआ तो एक राक्षसी ने, जरा ने देखा कि जरासंध जब पैदा हुआ तो 2 भाग में पैदा हुआ था और एक राक्षसी ने जो बच्चे खाया करती है ऐसी चुड़ैल घूमती थी जरा, तो उसने आकर के
जब दोनों हिस्सों को जोड़ा तो दोनों जुड़ करके एक पूरा बच्चा बन गया। रानी ने तो फेंक दिया था कि दो टुकड़े पैदा हुए हैं, इनको कूड़ेदान में फेंक दो। लेकिन जब एक राक्षसी ने खाने के लिए दोनों टुकड़े उठाए तो जुड़ गए, तो पूरा एक बच्चा बन गया। तो उन्होंने राजा को कहा ममतावश की, तो पुत्र है आपका, आपने इसको कूड़े में क्यों फेंक दिया? बोले हमारा पुत्र थोड़ी, हमने तो सोचा था दो टुकड़े, लेकिन इसमें दिव्य शक्ति है कि ये जुड़ गया, तो आज से तुम्हारे नाम से जाना चाहेगा। तुम्हारा नाम राक्षसी का है जरा, और इसकी संधि करिए, तुमने इसको जोड़ा इसलिए तुम्हारा नाम जरा संध पड़ गया उसका। उसकी मृत्यु भी ऐसी होने वाली थी कि जब इसको दो भाग में फाड़ा जाएगा और इसके दोनों अंगों को उल्टा फेंका जाएगा तभी ये मर सकता है, अन्यथा जब भी उसको भीम फाड़ते थे वो पुनः जुड़ जाता था, उसको दिव्य शक्ति थी। ऐसे जरासंध ने देखा कि उसकी पुत्री अस्थि और प्राप्ति विधवा हो गई है क्योंकि कंस की मृत्यु हो गई है, तो जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण बलराम, भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहते थे, बलराम क्रोध में एक्सप्रेशन देते रहते थे, तो कृष्ण कहते थे दाऊ जाने दो अभी मत मारो। तो अपने भगवान बलराम कैसे मारते हैं, अपने हल से पहले पकड़ लेते हैं, पास खींचते हैं और फिर अपनी गदा से दम पास दम, तो खींचा भगवान ने और जब मारने लगे तो कृष्ण कहते थे दाऊ 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 भैया, दाऊ भैया क्या छोड़ दो, क्यों? बोले एक पापी जाएगा अन्य पापियों को लाएगा, तो सबको मत मारो, सबको मार दो लेकिन इसको छोड़ दो। 21 अक्षौणी सेना, महाभारत काल में केवल 18 अक्षौणी सेनाएं आया करती थी, तो कई जगह लिखा 23 अक्षौणी की जगह 21 अक्षौणी पुराणों में वर्णन आया, लाखों करोड़ों की सेना लेके आता था और सारी सेना को कृष्ण मार डालते थे अपने सारंग धनुष से, लेकिन हर बार वो पापी जाता था फिर इकट्ठे करता था। तो भगवान कहते थे हाँ अब मैं हर जगह जाकर सफाई तो नहीं कर सकता हूं, तो एक पापी जाएगा एकदम ऐसे करके और सबको पाप इकट्ठा करके लाएगा, फिर एक ही जगह हम दाऊ यही मारेंगे मथुरा में सब। जब पापी खुद आ रहे हैं आ बैल मुझे मार, तो हम क्यों जाएं इधर उधर, हम अपनी लीला करेंगे जब ये आएंगे वहां कमल करें। 17 बार भगवान ने मारा तो 18वीं बार में ऐसा क्या हो गया कि भगवान को भागना पड़ा? कृष्ण करें एक लीला करें तीन चार, कृष्ण का कैसा आचरण है, कृष्ण करे एक लीला करे तीन चार। आदमी कहते एक बाण से दो निशाने, बड़े एक्सपर्ट मानते हैं। कृष्ण कहते एक बाण से सहस्त्र निशाने, बहुत निशाने लगाते। जरासंध ने जाकर के ब्राह्मणों से कहा मैंने 17 बार आक्रमण किया मैं हार गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए ब्राह्मणों कि मेरी विजय हो। तो ब्राह्मण ने तो बेचारे ब्राह्मण भोजन प्रिया भोजन पाया थोड़ा सा कह दिया विजयी भव। अब जब विजयी भाव कह दिया ब्राह्मण के मुख से निकल गया तो कृष्ण कैसे उनको हराए? कृष्ण कहे ब्राह्मण तो हमारे सबसे प्रिय हैं, गाय और ब्राह्मण दो ही लोग मेरे प्रिय हैं, उच्चिष्ट हैं, देवताओं से भी ऊपर है ब्राह्मण। मैंने आपको क्रम बताया था कथा के दौरान, देवताओं से भी ऊपर ब्राह्मण की श्रेणी है। ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है व्यक्ति अपने कर्मों और अपने गुणों से जो वैष्णव है ये देवताओं से भी ऊपर। देवता लोग भी उसको कहते हैं वाह वाह तेरा भाग्य है, तो वैष्णव हो गया ब्राह्मण हो गया, हम तो वही रह गए संसार में, उसकी पूजन करते हैं देवता भी। ब्राह्मणों की शरण ली तो कृष्ण का अब इसको तो माफ करना पड़ेगा, दाऊ क्या करें। रातों रात भगवान कृष्ण ने मथुरा के सारे सोने वाले अपने भक्तों को रातों रात समुद्र के मध्य गुजरात में ट्रांसफर कर दिया। सोए थे रात में सुबह ट्रांसफर कर, जब सुबह सुबह लोग सोकर उठे आंख खोली एक दूसरे से पूछ रहे द्वार कहाँ है, इस घर का द्वार कहाँ है, इस महल का द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ द्वार कहाँ द्वार का नाम पड़ गया द्वारका। बोलो द्वारका धाम की, ठाकुर जी ने द्वारका का निर्माण कर दिया, सारे को पहुंचा दिया, अकेले रह गए वापिस कृष्ण बलराम। इधर से एक राक्षस था जो कि नाम है काल्यवन, नाम से काला है और यवन भी है मुसलमान, काला यवन कहते हैं काल्यवन, काला मुसलमान काला यवन काल्यवन। ये आया था मुस्लिम कंट्री से और इसके मन में भाव था, इसको जन्म से ही आशीर्वाद मिला था कि इसको जब भी कोई मारेगा तो वृष्णिवंशी मार सकता है, वृष्णिवंशी होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित इसको आशीर्वाद था,
श्री शुक उवाच स इश्वाकुकुकुले जातो मान धात्र तनयो महान मुचुकुंदम इति खयातो ब्राह्मणे सत्य संग्रह। सुखदेव गोस्वामी इस कालियावन को आशीर्वाद था कि या तो इसको वृष्णिवंशी मार सकता है या तो कोई सूर्यवंशी मार सकता है। सूर्यवंश में मानधाता राजा हुए, उन राजा के मानधाता के 50 कन्या हुए और उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम अम्बरीश महाराज और एक का नाम मुचुकुंद। तो अम्बरीश जो आप सुनते हैं अम्बरीश चरित्र, जिन्होंने अम्बरीश महाराज ने भक्ति को प्राप्त किया, जिनके लिए दुर्वासा ऋषि सब जगह घूमे, उन अम्बरीश के भाई हैं मुचुकुंद महाराज। और इसको आशीर्वाद मिला कालियावन को कि इसको केवल सूर्यवंशी मार सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कौन से वंश में है? चंद्रवंश में। तो चंद्रवंशी तो मार नहीं पाएगा, तो कैसे मारे इसको? कृष्ण मार नहीं सकते, सूर्यवंश का कोई चाहिए। तो कृष्ण करें एक लीला करें 3-4। अब मुचुकुंद कौन है पहले वो सुन लेते हैं, फिर कृष्ण को चलाएंगे मथुरा से द्वारका की। एक बार देवताओं को बहुत आवश्यकता पड़ी, परीक्षित के मन में प्रश्न हुआ, परीक्षित पूछ रहे हैं श्री राजोवाच। परीक्षित राजा ने पूछा को नाम सा पुमान ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव क्या नाम था उस आदमी का, कौन थे ये राजा? कस्य किम वीर वचा कस्मात गुह्यम गतो शिष्ये किम तेजा यवन आर्दन। एक यवन का संहार कैसे कर दिया, कौन थे ये? तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं कि जब असुरों का और देवताओं का संग्राम हो रहा था, ये बात है प्राचीन युगों की, सत्युग त्रेता युग उस समय युद्ध हो रहा था। तो अम्बरीश के काल में त्रेता युग काल में, अम्बरीश त्रेता युग में ही थे कि सत्युग में थे? त्रेता में थे। अम्बरीश महाराज त्रेता में थे कि सत्युग में थे, जो भी रहा हो काल। तो उस युग में अम्बरीश महाराज के संगी जो है मुचुकुंद, उनको दशरथ महाराज हैं इधर, तो इसका मतलब हो गया त्रेता युग। तो ये श्लोक है, तब आपको कन्फर्म हो जाएगा कि त्रेता युग है। कैसे? सायाचिता सुर गणेरिंद्र आधे आत्मा रक्षणे असुरे भय परित्रस्त तत्रक्षम स अकरोता चिरम। तो ये इसका उदाहरण कहां आ रहा है? गर्ग संहिता में गर्गाचार्य बात बता रहे हैं कि मुचुकुंद के साथ साथ दशरथ महाराज इधर से और मुचुकुंद इधर से, सूर्यवंशी तो चाहिए, तो सूर्यवंश में इश्वाकुकुल है, इश्वाकुकुल में दशरथ भी हैं और इधर मथुरा में मुचुकुंद है, अयोध्या में दशरथ है, दोनों साथ गए। और दशरथ तो युद्ध कर समाप्त करके नीचे आए, लेकिन मुचुकुंद युद्ध करवाते रहे और बहुत लंबे काल तक युद्ध चला। जब सारे असुर हार गए तो कार्तिकेय सेनापति रूप में भगवान शिव के पास थे, तो उन्होंने कहा कि आप कार्तिकेय आ गए हैं प्रभु, कार्तिकेय का जन्म हुआ, यानी मुचुकुंद के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ, कार्तिकेय आ गए हैं, अब सेनापति बन गए हैं, शिव जी के पुत्र अब ही हमारी रक्षा कर लेंगे, डिफेंस चीफ हो गए हैं कार्तिकेय, अब आप मुचुकुंदी पृथ्वी पर जा सकते हैं पुनः। तो उन्होंने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूं, अब इतना युद्ध करके। कहा देखो मुक्ति तो केवल विष्णु दे सकते हैं, हम देवताओं के पास वो मुक्ति देने का शक्ति नहीं है, ना शिव मुक्ति दे सकते हैं, ना ब्रह्मा मुक्ति दे सकते हैं, ना दुर्गा मुक्ति दे सकती है। उन्होंने कहा वरम विष्णवम भद्रम ते रिते केवलयम मध्यम नहा
एक एव ईश्वर तस्य भगवान विष्णु अव्यया। केवल भगवान विष्णु तुम्हें मुक्ति दे सकते हैं, हम देवता तुम्हें मुक्ति नहीं दे पाएंगे। शिवजी के पुत्र कार्तिकेय नहीं दे पा रहे, उनके पुत्र गणपति नहीं दे पा रहे, स्वयं शिवजी ने मना कर दिया, अब क्या करें, मुचुकुंद फंस गए। बोले मैं नीचे से ऊपर आया, दशरथ भी चले गए, राम को पा गए, मैं कुछ पाया भी नहीं। तो बोले मुचुकुंद जी, अब हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप जब नीचे पृथ्वी पर जाएंगे, आपको अभी नीचे द्वापर काल चल रहा है, जब आप आए थे तब त्रेता युग था, 8,64,000 साल बीत गए द्वापर के, और त्रेता के 12,96,000 वर्ष, तो तकभग 20,00,000 वर्ष बीत गए हैं आपको ऊपर आए, क्योंकि देवलोक का टाइम और नीचे के टाइम में डिफरेंस, वहां का एक दिन हमारा एक वर्ष, इसलिए मकर संक्रांति बनाई जाती है, क्योंकि देवता का एक दिन हमारा एक वर्ष। जब देवता सुबह सुबह उठकर नहाते हैं तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति में लोग गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, क्योंकि ये देव स्नान कहलाता है, देवताओं के सुबह हो गई है। इस समय आप गीता में पढ़ेंगे षट मासा उत्तरायणा षट मासा दक्षिणायणा, सूरज जो है 6 महीने दक्षिण में रहता है और 6 महीने उत्तर में रहता है। आज के दिन से उत्तर की तरफ, आज या कल जो भी माने, मकर संक्रांति 14-15 बनाते हैं लोग। आप अब इस काल से उत्तरायण यानी उत्तर की दिशा में सूर्य का मूवमेंट दक्षिण से उत्तर की ओर मूव करेगा, नहीं सौदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज आएगा, इसलिए अब सर्दी कम होने लगेगी धीरे धीरे और गर्मियों का प्रकोप आने लग जाएगा। जितना जितना सूरज नीचे आता रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ती रहेगी, और फिर जब सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो सर्दी बढ़ने लगती है। तो ये जो सूर्य का काल है, अब सूरज हर महीने में संक्रांति आती है, मालूम है आपको, हर महीने किसी ना किसी राशि में संक्रांति होती है। जैसे जब सूरज दक्षिण में जाते हैं तो संक्रांति का नाम है कर्कट संक्रांति, यानी कर्क राशि में सूरज का प्रवेश, और जब घूमकर 6 महीने बाद मकर राशि में जब सूरज का प्रवेश होता है तो उसका नाम मकर संक्रांति। संक्रांति मीन्स तृतीय दिन, जिस दिन सूरज का अतिक्रमण यानी उसका मूवमेंट मकर राशि के अंदर होता है, तो उसको कह देते हैं मकर संक्रांति। संक्रमण उसका मूवमेंट होता है, सूरज तो घूमेगा ही हर महीने, कभी धेनु संक्रांति, कभी कुंभ संक्रांति, कभी मिथुन संक्रांति होती हर महीने संक्रांति। लेकिन मकर संक्रांति विशेष क्यों है, क्योंकि इसमें उत्तर की दिशा में सूरज आता है दक्षिण से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवताओं का स्नान का समय सुबह सुबह होता है। आज के दिन के बाद जिसकी मृत्यु होगी उसको ऊपर के लोग प्राप्त होंगे, और कर्कट संक्रांति के बाद जब जिसकी भी मृत्यु होती है उसको नीचे के लोग प्राप्त होते हैं, ज्यादा से ज्यादा चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की भी नहीं होती है। तो सर्दियों के समय जो मरते हैं यानी कर्क राशि से लेकर नीचे तक, उनको नीचे के लोग, भगवद गीता में लिखा है। तो ये बात सुनकर के अर्जुन घबरा गए थे, बोले फिर प्रभु हम कैसे माने, अगर नीचे मर गए कर्क राशि के तो हम तो भगवान स्वर्ग तक भी नहीं जा पाएंगे, वैकुंठ तो दूर की बात। तो भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, चिंता मत करो अर्जुन, ये नियम भक्त पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि भक्त के हृदय में सदा ठाकुर जी विराजमान रहते, उत्तरायण सदा उसके हृदय में है। कहा कैसे, कहा भीष्म ने इंतजार किया था कि मैं तब अपने प्राण त्यागूंगा जब सूरज उत्तरायण में होगा। अरे भीष्म तो भक्त थे भगवान के, तो वो उत्तरायण का इंतजार क्यों कर रहे थे। तो शास्त्र कहते हैं उत्तरायण शब्द का अर्थ मकर संक्रांति उत्तरायण नहीं है, उत्तरायण का मतलब है जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करी, उत्तरायण उत्तरा के गर्भ में जो आए थे उनका नाम है उत्तरायण भगवान, उनका इंतजार कर रहे थे भीष्म, सूरज का थोड़ी कर रहे थे। उत्तरायण शब्द का अर्थ आचार्यों ने बताया जो अपने वाम भाग में लेफ्ट साइड में ब्राह्मण लोग चादर डालते हैं, क्यों डालते हैं। तो एक व्यक्ति बोल रहा था खाना खा के मुंह पोछने के लिए, मैंने कहा नहीं नहीं खाना खा के मुंह पोछने के लिए नहीं डालते। जब आपको गायत्री करनी हो, जब आपको जप करना हो तो जमीन पर बैठकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी है वो सारी नीचे चली जाती है। तो आपको अपनी एनर्जी कंटेन करने के लिए किसी चादर पर आसन पर जप करना चाहिए। तो अपना चादर उठाकर ब्राह्मण नीचे बिछा लेता है, उस पर बैठकर जप कर लेता है, और फिर उस आकर चादर फिर कंधे पर डाल लेता है। जब पूजा की जाती है तो ऊपर के शरीर में कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए, और पूरे शरीर में होना हो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, क्यों, देवता लोग हमारे यज्ञ का भाग ले जाते हैं,
अगर उत्तरण उत्तरी किसी ने नहीं डाली है तो उसका पूजा लगेगा नहीं ठाकुर जी। तो इसलिए आप देखेंगे हमारे अल्टर में भक्त लोग ऐसे चादर डालते हैं, उत्तर कवर रहना चाहिए लेफ्ट साइड, वाम भाग कवर रहना चाहिए, या तो चादर डाल के या तो उत्तरी डाल के। तो ब्राह्मण लोग उत्तरी डालते थे कंधे पर, उत्तरी के बिना पूजा करेंगे तो ये यहां से वो ले जाएंगे, कौन देवता ले जाएंगे, इधर से राक्षस ले जाते हैं, इधर से देवता ले जाते हैं, क्योंकि हमारे अंग अंग में देवता विराजमान है। तभी तो भगवान कृष्ण ने दिखाया था, देखो मेरे विराट स्वरूप में सारे देवता हैं। तो ऐसे ही भगवान के अंश होने के कारण जीवात्मा के शरीर में भी सभी देवता, मन का देवता चंद्रमा है। जब जब चंद्रमा ढाई चाल चलेगा और नीचे आएगा, आपका मन उदास हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ढाई दिन बाद आपका मूड ठीक हो जाएगा। जिस जिस कुंडली में जिस जिस तरह घूमेगा उसका मन खराब हो जाता है। हाथों का देवता इंद्र है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा इंद्र संभालेगा, क्या कर्म किया कैसे किया। ऐसे हर शरीर के अंग अंग के देवताओं को लीडर बनाया है, लेकिन पूरे शरीर का लीडर कौन? कृष्ण। तो कृष्ण भक्तों पर ये सारे नियम अप्लाई नहीं होते, केवल गतो मुकुंदम परिहत कर्तम, मुकुंद के शरण में जाने से सारे कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं, सारे कर्तव्य। गतो मुकुंदम परिहत कर्तम। तो अगर ये भागवत का श्लोक 11वें स्कंद में आता है तो इस प्रकार मुचुकुंद बोले ठाकुर जी का दर्शन मिलेगा, बोले हाँ, बोले कब मिलेगा, बोले द्वापर काल आने वाला, जाओ कर जाकर क्या करूं, इतना थक गया हूं रात दिन, क्योंकि उनका एक दिन हमारा एक वर्ष, हम तो थक गए हैं, कहाँ क्या करना चाहते, बोले सोना चाहते, थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो बोले ठीक है, आप ऐसे आपको कर देते हैं कि निरंतर सोओगे, अब जब आपकी आंख खुलेगी तभी आपको ठाकुर जी का दर्शन हो। अब आंख खुले और ठाकुर जी का दर्शन हो तो इसको एक वरदान और मिला कि अगर सोते में मुझे कोई डिस्टर्ब कर दे तो वो जलकर भस्म हो जाए। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हें सोते में डिस्टर्ब करेगा, कोई मच्छर मक्खी कोई, तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो दो वरदान मिल गए, क्या क्या, जो सोते में उठा दे वो जलकर भस्म, और जब तुम आंख खोलोगे तो तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन। अब ये देखो कितना बड़ा पजल है, माँ उठाए तो माँ भस्म, पिता उठाए तो पिता भस्म, तो क्या करें भगवान। तो कृष्ण करें एक लीला करें तीन चार, जरासंध का ब्राह्मणों का वरदान कामयाब करना है पहला कारण। दूसरा कारण, काल्यवन को सूर्यवंशी ही मार सकता है, वृष्णिवंशी नहीं मार सकता, यानी कृष्ण नहीं मार सकते काल्यवन को, उसे केवल सूर्यवंशी मानधाता के पुत्र मुचुकुंद ही मार सकते हैं। मुचुकुंद तो सो रहे हैं, तो इसको यहां से मथुरा से धौलपुर में है मुचुकुंद की गुफा, आज भी है धौलपुर, धौलपुर तक कौन लेकर जाए, ऐसा तो कह नहीं सकते काल्यवन धौलपुर में मिलेंगे लड़ाई के लिए। इधर से आक्रमण है जरासंध का, इधर से आक्रमण है काल्यवन का, इधर सामने पर्वत है धौलपुर का, कैसे जाएं भगवान। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, काल्यवन खड़ा हो गया पहाड़ पे, ए अघोरी ए ग्वाले ए नीच, भगवान को इसे बोलने लगा। भगवान मुस्कुराए, आओ लड़ो हमसे, अच्छा आता हूं। हाथ में अपने सारे हथियार लेकर काल्यवन नीचे उतरा, काला था मुख का भी और दिल का भी, जो कृष्ण भक्ति नहीं जान रहा था कृष्ण शरणागत, मुख का भी काला दिल का भी, आ गया नीचे काल्यवन। अब कृष्ण भगवान ने दौड़ लगाना शुरू किया, इधर तो जरासंध का ब्राह्मणों का कृपा करानी है और इधर काल्यवन को धौलपुर तक पहुंचाना है। अगर ठाकुर जी तेज गति से अदृश्य हो जाए और कहीं प्रकट हो जाए तो काल्यवन तो डिस्टर्ब होकर वापिस चला जाएगा, कहां गया पता नहीं। लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं इसका विल पावर बनी रहे कि मुझे पकड़ना है मारना है, तो कृष्ण गति से आओ भागते थे, इतनी धीमी गति में भागते थे, काल्यवन तेज गति से भागता था, कृष्ण 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 हल्के हल्के मुस्कुरा रहे, काल्यवन तेज गति से कृष्ण हंस के भाग रहे, भागते भागते धौलपुर पहुंच गए। और भगवान कृष्ण जानते थे मुचुकुंद को दर्शन देना है, तीसरा कारण मुचुकुंद को दर्शन। तो ठाकुर जी ने अपनी उस गुफा के अंदर प्रवेश किया, बिल्कुल वेले वेट किया बाहर गुफा के कि डायरेक्शन तो बताऊं, वो चढ़ता चढ़ता आया, कहां जा रहा है घोरी रुक जा नहीं, ऊपर आते जा रहा है, पहाड़ पर चढ़कर आया काल्यवन, पसीने में लथपथ और कृष्ण मुस्कुरा रहा है, आओ आओ गुफा में बुलाता है, अभी आता हूं। गुफा में प्रवेश किया, वहां मुचुकुंद जी कई युगों से सो रहे हैं, 20 लाख वर्षों से। भगवान ने अपना पीत चादर उतारा और उसके ऊपर सोते में डाल दिया, जैसे सोते में चादर डाल देते हैं, मुचुकुंद तो सो रहे थे।
और भगवान कृष्ण गुफा के साइड में जाके छुपकर नाटक देख रहे हैं। अब आया कालेवन, कहां गया कृष्ण, हाँ मुझे भगाकर यहां आराम फरमा रहा है। ये पैर उठाया, एक लात कमर में मारी धाक करके। मुचुकुंद जी की तो सोए हुए युगों की नींद कालेवन के झटके से उठे आंख ऐसे करी और खोला, रोशनी निकली और ये भी नहीं पूछा हू आर यू, खत्म, पूर्ण समाप्ति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी ने कालेवन का समाप्ति करी, क्योंकि सूर्यवंशी से होना था, वरदान मिला था, तो वृष्णिवंशी ने ऐसा नाटक किया कि सूर्यवंशी से खत्म करा दिया, मरवा डाला। और अब दूसरा वरदान देवताओं का दिया है, तो क्योंकि भगवान कितना सोच रहे हैं हमारे बारे में, दूसरा वरदान दिया है कि भाई मुचुकुंद के सामने दर्शन देने। तो ठाकुर जी अब वो जब घबरा गया, पता नहीं किसका बच्चा था, कौन जानवर था, पशु था, बिल्कुल जीरो हो गया, राख कौन था, अब गिल्टी में मुचुकुंद, इतने बड़े भगवान के भक्त, क्या हो गया, कौन था, ना जाने, जलकर भस्म हो गया। बड़े ग्लानी में भगवान कृष्ण आए, मुड़ो चिंता मत करो, ये जो है ना जिसे तुमने भस्म किया है, ये राक्षस कालेवन था जो मेरी ही कृपा से तुम्हारे माध्यम से इसका उद्धार हुआ है। आप इतनी तेज सूर्य का प्रकाश देखते ही मुचुकुंदनी ने दंडवत मारा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण को देखते ही मुचुकुंद ने स्तुति गान प्रारंभ किया, कौन है इतनी कमल पंखड़ियों वाले सुंदर प्रभु, आप कौन है, अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए, स्वामी कौन है आप, शायद आप समस्त शक्तिशाली जीवों की शक्ति हैं, या फिर आप शक्तिशाली अग्निदेव हैं, या सूर्य देव हैं, या चंद्रदेव हैं, या स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, आप कौन हैं प्रभु। इस प्रकार मुचुकुंद बार बार भगवान से पूछने लगा, मेरा नाम मुचुकुंद है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मुचुकुंद जन्म कर्म अभिधानानि संति मे अंग सहस्त्रशः नाशक्यन्ते अनुसंख्यातुम् अनंतवात्महे अपि हे। हे मुचुकुन, मेरा जन्म, मेरा कर्म अभिधानानि, और मेरा नाम, मेरा जन्म, क्या क्या चीजें तीन बोली हैं, मेरा जन्म, मेरा कर्म, अभी धानानी यानी मेरे नाम, अभी धानानी मेरे नाम कितने हैं, अंग सहस्त्रशः। सहस्त्रशः का शब्द कभी कभी हजार के रूप में आता है, और कभी कभी सहस्त्रशः का मतलब होता है अनंत, मेरे अनंत नाम है, अनंत कर्म है, मेरे अनंत रूप हो चुके हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं, जिनको अनुसंख्यात अंतवतम मया अपि ही, इतने हो चुके जिनकी संख्या मैं भी नहीं गिन सकता हूं। क्या कह रहे हैं कृष्ण, इतने नाम हैं, इतने रूप हैं, इतने कर्म हैं, इतनी बार जन्म है कि अनुसंख्यात अपि ही, मैं भी उनको नहीं गिन सकता हूं मुचुकुंद, मुझे नहीं पता कितने जन्म, कितने रूप, कितने कर्म है मेरे। तो सोचो तुम जीव होकर कैसे समझोगे, क्योंकि तुमने अपने पूर्व जन्म में प्रार्थना करी थी, और जिस प्रार्थना के कारण तुम भक्त बने, भूतकाल में तुमने मुझे बारंबार प्रार्थना करी। अब देखिए भगवान कृष्ण मुचुकुंद का पूर्व जन्म भी बता रहे हैं और अगला जन्म का आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो देखिए भगवान कैसे करते, पूरा सुनिए ध्यान से इसको। चूंकि भूतकाल में तुमने मुझसे बारंबार प्रार्थना की, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें अनुग्रह दर्शन के लिए इस गुफा में आया हूं, क्योंकि मैं अपने भक्तों के प्रति अति वत्सल्य, भक्त वत्सल्य भाव में उनके अधीन हो जाता हूं। तुमने मुझे पाया है, अब तुम्हारे जीवन से सारे प्रकार की व्याधियां समाप्त हो जाएंगी, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं सताएगी, तुम इसी गुफा में रहोगे लेकिन तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम यहां निरंतर मेरा भजन करना, मेरे चले जाने के बाद मेरे सदा स्मरण में रहना, परंतु अंत काल में तुम मेरे ही धाम को आओगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित
मुचुकुंद की इच्छा थी ठाकुर जी उसको चतुर्भुज रूप में दर्शन दें, जैसे विष्णु पितामह की इच्छा थी ठाकुर जी उसे चक्र सुदर्शन रूप में दर्शन दें। तो ठाकुर जी चक्र उठा नहीं सकते थे, क्योंकि महाभारत में प्रण किया था कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन उन्होंने जब भीष्म पितामह के तेज बाण आए तो अर्जुन के रथ का पहिया उठाया, तो पहिया शस्त्र तो नहीं है, पहिया उठाकर दिखा दिया। और जैसे ही पहिया उठाया भगवान ने, तो उधर भीष्म पितामह ने अपने रथ से उतरकर प्रणाम किया। बस इतनी तो विनती थी। आह क्या रूप है सुदर्शन चक्र, वाह वाह मजे आ गए, आनंद आनंद। अब भगवान को देखिए, भगवान भक्त प्रेम में कैसे थे, विवल हो जाते हैं। भगवान जान रहे हैं कि मैं भगवान हूं, सुदर्शन भीष्म को मार डालते, नहीं जान रहे भीष्म भक्त है और अर्जुन भी है। तो भगवान अर्जुन के प्रेम में ऐसे हो गए, अर्जुन पैर पकड़ने, प्रभु रथ का पहिया फेंक दीजिए, आप अपने वादे को मत तोड़िए, आप अपने वादे को मत तोड़िए, आपने कहा था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान कह रहे ये शस्त्र नहीं है, ये पहिया है। कहे प्रभु आप इसे भी फेंक दीजिए, कल को कोई आप पर दोष लगाएगा, छोड़ दो मेरा पैर, छोड़ दो। भगवान भीष्म की ओर बढ़ रहे हैं। अब भगवान यहां से ऐसे फेंक देते पहिया तो जाता नहीं अनंत कोटि दूर, लेकिन भगवान फेंके नहीं, इतना प्रेम में है कि बिल्कुल पास में जाके मारूंगा, मेरे अर्जुन को कैसे तूने एक तीर मार दिया। आगे बढ़ रहे हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के, कमला यानी लक्ष्मी जी, कमलापति बोलते हैं ना भगवान, कमला यानी लक्ष्मी, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज के करील निकुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप भक्त बन जाइए, आपको कुछ न मांगना नहीं पड़ेगा, ये मां मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी हनुमान जी ढाई रुपए का, शिव जी ये करूं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 राम
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित भगवान ने मुचुकुंद की इच्छा पूरी करी और उसे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। यानी कृष्ण के अंदर विष्णु तो है ही है, कृष्ण से ही विष्णु प्रकट होता, कृष्ण ने खड़े खड़े ही इति उक्त्वं प्रणम मुचुकुंद मुंदान्वितः ज्ञात्वा नारणं देवे गर्गवाक्यम अनुस्मरणम। यह सुनकर मुचुकुंद ने भगवान को प्रणाम किया, गर्ग मुनि के वचनों का स्मरण करते हुए कृष्ण को भगवान नारायण के रूप में हर्ष पूर्वक पहचान लिया। फिर राजा ने उनसे इस प्रकार स्तुति करी, इसे मुचुकुंद स्तुति कहते हैं। 13 श्लोकों में यह मुचुकुंद स्तुति है, तो लंबा समय लगता है मुचुकुंद स्तुति करने में। हम मुख्य मुख्य स्तुति सुन लेते हैं, क्योंकि ये 13 स्तुति करेंगे तो फिर बहुत सारे प्रसंग रह जाएंगे। मुचुकुंद जी की स्तुति है। श्री मुचुकुंद उवाच, मुचुकुंद ने कहा, हे प्रभु, इस जगत में स्त्री पुरुष आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन असली लाभ के अनजाने रहते हैं और पारिवारिक मामलों में फंसे रहकर सुख की तलाश करते हैं। सुख को ढूंढते हैं परिवार के साथ, चलो आज पीवीआर में पिक्चर देखने थोड़े सुखी हो जाएंगे। पिक्चर देखने जाते हैं, गाड़ी में बैठकर रास्ते में लड़ाई हो जाती है, तुमने ये क्या पहन लिया है, कितनी गंदी दिख रही हो, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो लंगूर जैसे, दोनों का युद्ध हो गया। सुख के लिए निकले थे, दुख पड़े हुए थे, वहां पहुंचकर पिक्चर में मन नहीं लग रहा। औरत कहती है हीरो को देखकर, ऐसे बनो, तो कह रहा तुम भी तो वैसी बनो हीरोइन को देख। दोनों का युद्ध, लौट करके ऐसा हुआ जिस सुख के लिए गए थे वह दुख में बदल गया। एक बार पति पत्नी दोनों जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों को शरीर छोड़ना पड़ा। एक्सीडेंट में तो प्रेत बनता है जीवात्मा, तो दोनों वो प्रेत बन गया, वो चुड़ैल बन गई। तो पति को देखकर कहती है, कितने बदल गए हो, बिना शरीर के कितने अजीब लग रहे हो, उड़ रहा है, बिना शरीर के बड़े अजीब लग रहे हो। कह रहे लेकिन एक बात बोलूं, कहती हाँ, तुम नहीं बदली। तो पारिवारिक मामलों में फंसकर व्यक्ति कभी कभी अनजान रहता है कि मेरे मनुष्य शरीर का असली सुख कहाँ छुपा है, और इसको जानने से वो अनजान रहता है। लेकिन कोई कोई भाग्यशाली, लब्ध्वा जन दुर्लभम मानुषम कतश्चिताव्ययंगयंतानघ पदारविंदम ना भजति असत मति ग्रह अंधकूपे पतितम यथा पशु। भजन न करने के कारण अपने असली घर तो भगवत धाम है, उसको भूल करके असन्मति, ये मति जो संसार में जुड़ी है, इस असन्मति के कारण मंद संसारी बुद्धि वाला व्यक्ति ग्रह अंधकूपम, घर के अंधे कुएं में गिर जाता है। घर को क्या बताया है, अंधकूपम। अंधा कुआ क्या होता है, जिसमें जल नहीं होता और सर्प रहते हैं, वो डसते रहते हैं। कोई रिश्तेदार आएगा, तुम हमारे यहां नहीं आए, तुमने शगन नहीं, इतना करके चढ़कर गए, एक साड़ी दे दी वो भी किसी काम की नहीं, चाचा जी का सम्मान कर रहे हैं, मामा जी का नहीं किया। इस ग्रह अंधकूप में सर्प डसेंगे, विश भी देंगे, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन वो विष सहन करने की शक्ति आती है हरि भजन से। अगर आप हरि भजन करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अच्छा करो तुम बुरा करो। तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए अनहोनी होनी नहीं है और जो होनी सो हो। चिंता मुक्त रहता है, बोलो जो मुझे बोलना है, उसका मन साफ होता है। लेकिन असत मस्ती, ग्रह अंधकूपम पतितो यथा पशु, मेरे माता मेरे पिता मेरे बच्चे, हाय हाय, अंधकूप से बाहर नहीं निकल पाता,
जंजाल खींचेंगे नीचे आक्रमण कर। ये प्रेम में मीठी बोली में पप्पा बोला मम्मा बोला फंस जाएगा। उनका प्रेम करो। कैसे करो? जैसे इस मंदिर में ट्रस्टी लोग इस मंदिर की देखरेख करते हैं, ट्रस्टी बोलेंगे यहाँ पर पेंट मत करिए, यहाँ कुर्सी मत रखिए, यहाँ गद्दे मत बिछाइए, यहाँ ऐसा मत करिए, ट्रस्टी पूरा इन्वॉल्वमेंट करेगा। लेकिन ट्रस्टी मन में ये जान रहा है ये मंदिर मेरा नहीं। तो घर में रहो लेकिन घर के ना होकर रहो, तो ट्रस्टी के भाव में रहो। जैसे कैशियर कैश गिनता है, एक लाख की गड्डी, दो लाख, तीन लाख। घर जाना हो रिक्शे वाले 10 रुपए में बैठ कर जा, सारा दिन पैसे में खेलने वाला मानता है कि 1 भी रुपया मेरा। तो क्या आप कैशियर नहीं बन सकते? क्या आप ट्रस्टी नहीं बन सकते? आपको जरूरत है, आए मेरा पुत्र, आए मेरी पुत्री, आए मेरा ये। अंदर से अटैचमेंट कर लिया हमने, ऊपर से केयर करो, ख्याल रखो, पर मन में भगवान का भजन। अगर ऐसा करेंगे तो राजा कहते मैंने अपना पूरा जीवन पारिवारिक चेतना में बिता दिया, लेकिन कभी कृष्ण चेतना में अपने जीवन को नहीं बताया। क्यों? केवल और केवल अहंकार में आकर के। कले वरे अस्मिन घटकुन्नया सन्निभि नीरूढमाना नरदेव इति अहम् व्रतो रत इभम अश्वपदाति अनिकेपये गाम पर्यटन त्वम अगण्य सुदुर्मदः। अपने गर्व के कारण पृथ्वी पर मैं विचरण करता रहा, अत्यंत गर्वित होकर के, बहुत गर्व किया है। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है प्रमत्त कहलाता है, बड़े बड़े काम करेगा, जो भी करेगा उसमें वो चाहता है मेरे को दुनिया जाने, दिखाऊं। किसी के 500 रुपए पड़े और आपको उठाने, तो आप कैसे उठाओगे? पहले पैर से दबा लोगे थोड़ा सा, आह अब ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं उठाओगे ऐसे करके सामने सामने, क्योंकि कोई फोटो खींच ले तो सीसीटीवी में आ गया तो डर के रहता है। लेकिन किसी को 500 देने हो तो दूर से पकड़ के फोटो खींचो, HD है ना, हाई डेफिनेशन कैमरा। चुशाई देखे ना देखे लेकिन प्रभु तो उसको भी देखता है और इसको भी देखता है। सच बोलना हो तो रिकॉर्डर ऑन कर लो, जो बोल रहा हूं सच बोल, रिकॉर्डर ऑन करो, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। और जब झूठ बोल रहा होता है रिकॉर्डर ऑन तो नहीं, कोई रिश्वत लाया लेन देन करती दुनिया, कैसे करते हैं? अंडर टेबल कहा जाता है, कोई देख, लेकिन दान अबाउट द टेबल, ऊपर से दिया जाए। लेकिन प्रभु अंडर टेबल भी देखता है, ऊपर टेबल भी देखता है। काली पहाड़ी पर काली रात को काली चीटी काली पायल पहनकर जब छुन छुन करके चलती है, ठाकुर जी उसका भी सोचते हैं इसने सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया। हाथी को मन भर देता है और चीटी को कण भर देता है, वो दया निधि कृपा सिंधु हरि सबकी सुध लेता है। किसी को नहीं त्यागते, सबका सब मालूम है, नाटक कर लो कितना भी अंदर पता है। मैं दिखाऊं मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन मैं जानता हूं, एक तो मेरा मन जानता है मैं नहीं हूं, और प्रभु तो जानते ही तू बिल्कुल बेकार है, मानते ही है प्रभु। तो मैं कभी कभी प्रभु से कहता हूं अच्छा भक्त बनाओ, उसके बाद ही प्रचार में लगाते, अच्छा तो भक्त बनाया नहीं, सेवा में लगा दिया। अच्छा भक्त बनाओ अपना कि रात दिन बस हरि कीर्तन हरि भाव में रह सके, किसी के प्रति द्वेष नहीं निंदा नहीं। विशेषकर तो आता नहीं है, वो भी उन्हीं की कृपा होती है, लेकिन कभी कभी अगर रंच मात्र भी आए तो क्यों आए? अगर आसक्ति आए रंच मात्र भी आए तो क्यों आए? क्या प्रभु ऐसा नहीं हो सकता सारे बंधन सब समाप्त हो जाए और बस मैं आपके चरणों के प्रति लीन रहूं? बड़े बड़े राजा एक पालतू पशु बनकर जन्म ले लेते हैं। मुचुकुंद ने कहा मैं इतना बड़ा राजा हुआ, मैं स्वर्ग तक चला गया, देवताओं का युद्ध जितवा दिया, शिव जी को कार्तिकेय दिलवा दिया, मैं इतना बड़ा हूं कि शिव के पुत्र कार्तिकेय को आरुण करके आया हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं अगले जन्म में मैंने आपका भजन नहीं किया है ना, मुझे पालतू पशु बनना पड़ेगा किसी घर का,
एसी के नीचे वो बाल उड़ते रहेंगे, इसे बैठा रहूंगा बस। खाने के लिए जो मालिक डाल देगा वो खा लूंगा। स्वाभिमान के कारण, केवल और केवल मेरे स्वाभिमान के कारण मैंने ऐसा किया है। स्वाभिमान और अभिमान, स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है? कई बार लोग बोलते हैं, देखिए प्रभु जी अभिमान तो हम में है नहीं, लेकिन स्वाभिमान तो रखेंगे ना, वो तो रखना पड़ेगा ना। आइए साइड में बताता हूं, स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है। स्वाभिमान है कि मैं अच्छा हूं, और अभिमान है मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान। स्वाभिमान के अंदर भी अभिमान की हल्की हल्की गंध होती है। अगर स्वाभिमान की आप बात कर रहे हैं तो आपके अंदर हल्की हल्की गंध है। उत्तम अधिकारी भक्त जो है, भगवान का श्रेष्ठ भक्त, वह यह जानता है मैं कौन हूं। अमी तो पापी ते लबिष्ट, पापी पापी व्यक्तियों का भी जो कीड़ा होता है ना, उससे भी नीचा हूं मैं। ऐसा जो जान रहा है, अपने को निकृष्ट मान रहा है, वही प्रभु की दृष्टि में उत्कृष्ट है, और जो अपने को उत्कृष्ट मान रहा है प्रभु की दृष्टि में, वही निकृष्ट है, नीचा है। इस संसार में जितना जितना अपने को विनम्रता की पट्टी पर चलाओगे ठाकुर जी के, उतना प्रेम करो। यहां बड़ी गाड़ी में चलो, जय जयकार झंडे लगाओ, अपने को कर लो, लेकिन मुचुकुंद कह रहा है ग्रहेशु, ग्रह के अंदर मैथुन सुखाया योषिताम क्रीड़ाम रक पुरुष ईश नियते। उस व्यक्ति को एक पालतू पशु बनना पड़ता है, बड़े बड़े। तो ये जो यात्रा है जन्म से लेकर मृत्यु की, तो मुचुकुंद कहते हैं किसी किसी व्यक्ति पर आप अपनी कृपा करते हो जिसके जीवन में एक शुद्ध भक्त भेज देते हो, वो आपको प्रेरणा देता है और आपको उस मार्ग पर खींचता है। मैं बड़ी कृपा मानता हूं प्रभु कि आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, जिसके कारण मुझे परिवार तो मेरा अंत हो चुका है त्रेता युग में। अब द्वापर में मैं तो सो ही रहा था, आलसी प्रमादी, अब सोते सोते मैं पालतू पशु बन जाता, लेकिन आप इतने दयालु हैं कि आप, मैं आपके पास नहीं गया, मुचुकुंद गए नहीं मंदिर में दर्शन करने, गए ठाकुर जी दर्शन देने आए। कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं वहां नहीं जा पाया, मैं वहां नहीं जा पाया, मैं यहां नहीं जा पाया। श्रील प्रभुपाद हमारे जो स्कॉन के संस्थापक चाहते, कहते हैं नाम में इतनी शक्ति, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम में आए हैं, आपकी जबकि जो झोली है इसमें सारे तीर्थ विराजमान है। अगर आप चाहेंगे तो ठाकुर जी आपको दर्शन देने घर आएंगे। आप टेंशन क्यों लेते हैं, मेरा ये नहीं है, मेरे ये बद्रीनाथ तो हो गया प्रभु जी, द्वारका रह गया प्रभु जी। डू नॉट वरी, चैंट हरी। चिंता मत करिए, जगन्नाथपुरी की यात्रा चल रही थी, तो जगन्नाथपुरी की यात्रा चल रही थी तो प्रभु जगन्नाथ जी को देखने के लिए लोग जा रहे थे, तो एक व्यक्ति के पैर नहीं थे, बचपन से ही अपंग था, पूर्ण पैर ना होने के कारण उसने देखा यात्रा जा रही है, जय जगन्नाथ, कह रहे भाई कहाँ जा रहे, कह रहे जगन्नाथपुर जा रहे, कह रहे हमारा भी मन, कह रहे अपंगू तुझे कौन ले जाएगा, अपना बर्डन बना करके वजन लेकर तेरा सर पे लेकर कौन जाएगा। पुत्र परिवार था नहीं, बेचारा पड़ा पड़ा जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, रथ जा रहा था, रथ की रस्सी लोग खींच रहे थे, रस्सी में लटक गया, रस्सी लटक गया, और वो जो यात्रा जा रही है उसी रस्सी पे लटक कर कह रहा है मेरे को भी ले चलो, तो लोगों ने रस्सी हिलाकर उसे गिरा दिया, ले गए पूरी चला गया रथ, सारे भक्त यात्रा में जा रहे हैं। अब ये पंगु व्यक्ति लेटा 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 बार बार बोल रहा है आज तो रथ यात्रा निकल रही होगी, आज तो जगन्नाथ जी बाहर आए होंगे, टीवी तो था नहीं कि ऑनलाइन डायरेक्ट लाइव देख सके। बड़े मन में संकुचित भाव से कि मेरे को प्रभु तुमने पंगु बनाया, काश मेरे भी पैर होते तो मैं भी आपके पूरी धाम माता दर्शन करता। बेटा बेटा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, हृदय से रो रहा है, आंखों में अश्रु निकल रहे हैं। हरी हरी बोलिते नयन बबे नीरा, आंखों से नयन, हरी 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 रो रहा है व्याकुल होकर के। देखता है थोड़ी देर में पीठ पर कोई हाथ लगा रहा है, देखा तो स्वयं बड़े बड़े नेत्रों वाले श्री जगन्नाथ भगवान वहां बड़े थे। भगवान कहते दुनिया मुझे वहां ढूंढ रही है, लेकिन मैं तुझे दर्शन देने के लिए तेरे पास आया हूं। और भगवान ने अपने, जगन्नाथ जी ने दोनों हाथ खोल के रखे ना, इसका मतलब ही है आओ मेरा आलिंगन कर लो।
और भगवान ने उसी हाथ से उठाया और लेकर उसे पूरी धाम ले जाकर रखा। बोले आप रथ यात्रा निकले आराम से देख ले, हम लिफ्ट ट्रेवल सीधा उठा, लिफ्ट ट्रेवल सीधा होते हैं ऐसे कार्य। बोले प्रभु जी आप तो ऐसी घटनाएं सुना रहे हैं, मन भर की घटना है तो मुचुकुंद की तो भागवत की घटना है। कृष्ण के पास मुचुकुंद गए या कृष्ण के, कृष्ण उनके पास आए, क्यों आए? वो तो सो रहे थे, सोते सोते भगवान मिले आज तक आपको, आपको कहते सुबह उठो जल्दी उठो, ये सो रहा है, सोते सोते कैसे मिल गए भगवान? क्योंकि सोने से पहले जो उसने काम किया वो बड़ा उत्तम। एक तो पूर्व जन्म में बड़ा भारी भक्त था और भगवान की प्रार्थना करी थी मुझे आपका चतुर्भुज का दर्शन चाहिए, जिसके कारण मानधाता का पुत्र बना। और मानधाता का पुत्र बनकर क्या सेवा करी? देवताओं की सेवा करी, वैष्णवों की सेवा करी। और जब लेने का टाइम आया तो लिया कुछ नहीं, बिना कुछ लिए दिए भूमि पर आ गया और अचेतन अवस्था में आकर सोता रहा। तो सोने से भगवान ने मिले, सोने से पहले जो क्रिया करी उससे भगवान ने, सेवा के भाव से। तो मुचुकुंद कहते मैं जानता हूं प्रभु आप तीनों गुणों से परे हैं, मैं आपके चरण कमल की सेवा के अतिरिक्त अब और किसी वर की कामना नहीं करता हूं। इसलिए हे आद्वयम भगवान, आप अखंड हैं, आपका कोई खंडन नहीं कर सकता, आपको कोई दो नहीं बना सकता, आपके जैसा कोई नहीं बना सकता, आप जो हैं बस आप ही हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको नाम दिया सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम यानी इनके ऊपर कोई नहीं, पर्सनैलिटी यानी ये निराकार नहीं एक व्यक्ति हैं, और गॉड नहीं है गॉड हेड। प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में नाम दिया सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मालिक हैं देवताओं के। मैंने बहुत जन्मों में बहुत दंड पाए हैं और छह प्रकार के दुश्मनों ने मुझे बहुत दबाया है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ने, लेकिन प्रभु आखिरकार मेरा भाग्य उदय हुआ, देवताओं का वरदान सफल हुआ जो कि मुझे आज आपके चरणों को देखने का मौका। भगवान ने कहा है सम्राट महान राजा तुम्हारा मन शुद्ध है, यद्यपि मैंने वरों के द्वारा तुम्हें लुभाना चाहा लेकिन तुमने कोई वर न मांग करके मुझे अपने प्रेम से वशीभूत कर लिया, आकर्षित किया। मांग लेते तो गड़बड़ हो जाती, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भी, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सी। मांगो मत, मांगते कौन है? संसारी लोग, वो मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे, लेकिन देने वाले कौन है? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम भिखारी सारी दुनिया। बोलिए दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया।
जाके कोई पुकारा, द्वार पे उसके जाके कोई पुकारा, परम कृपा दे अपनी भव से उभारा, परम कृपा दे अपनी भव से उभारा, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। प्राणी कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में उतार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में उतार तू, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। प्रकाश जब अंदर जाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जाएगा, प्यारे श्री राम को तू दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, ज्योति से जिसकी उजियारी सारी दुनिया, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जाहि अघम्मत उपाश्रितः। हे मुचुकुंद, तुमने
क्षत्रिय घर में जन्म लेकर कई सारे जंतुन कई जीवों की हत्या करी है, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है, क्षत्रिय सोल्जर पुलिस वो वध करती है। साधारण व्यक्ति मांस खाए और बोले ये तो अलाउड है, क्षत्रिय के लिए अलाउड है। क्यों? क्षत्रिय लोग ऐसे नहीं मांस खाते हैं, क्षत्रिय लोग शिकार पर जाते हैं और उनका शिकार करते हैं जो वन्य पशु प्रजा को कष्ट देते हैं, उन आतिथेय पशुओं का संहार करना यह क्षत्रिय का धर्म था। आज दूसरी देश की सेना आपके देश में प्रवेश ना करे इसलिए कई सैनिक खड़े होकर के उस व्यक्ति की हत्या करते हैं, पर उसको हत्या करने पर उनको पाप नहीं लगता है, उनको मेडल मिलता है। लेकिन वही आर्मी ऑफिसर अपनी इच्छा से एक भी आदमी का मर्डर कर दे दिल्ली में तो उसको कोर्ट मार्शल होगा। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छा से मांस खाता है, प्याज खाता है, लहसुन खाता, कहते मैं तो अपनी इच्छा से खा रहा हूँ, भगवान ने कहाँ बोला, पढ़ता तो है नहीं, क्योंकि पढ़ लेगा तो फिर खा नहीं पाएगा, तो स्वाद के लिए, और स्वाद एक्चुअली होता भी नहीं है। प्याज इतना दुर्गंध युक्त होता है जो खाता है उसके मुंह के पास को जाता नहीं है, उसके शरीर की दुर्गंध इतनी होती है बेचारे की हर महीने परफ्यूम पे बहुत खर्चा होता है, और वो व्यक्ति प्याज का जो है खाते खाते रोता है, खाता रहता है और उसको छीलता रहता है, रोता रहता है। छोले पर प्याज डाल दो, मटर पनीर पर प्याज डाल दो, दाल में प्याज डाल दो, उससे पूछो तुमने कभी दाल खाई है, प्याज ही तो खा रहे हो, क्योंकि अगर प्याज का स्वाद तुम्हें इतना पसंद है कि तुम दाल का स्वाद ही नहीं जानते हो, बिना प्याज की दाल बना दो हैरान हो जाते, कह रहे ये क्या बनाया है, प्याज डालो, क्योंकि वो एक ही चीज खा रहा है। और जिसको छीलने में रोना पड़ता है, जिसको छीलने में रोना पड़ता है उसको खाने में कितना रोना पड़ेगा सोचो, तो बहुत रोना है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण भी आज प्याज खा रहे हैं और उनको कुछ नहीं लगता। क्यों? मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, इसलिए नहीं कि मैं कोई निंदक हूं। शास्त्र में लिखा है सत्वगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन। तमोगुणी खाते हैं वो पशु योनि में जन्म लेते हैं, मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, देर तक सोने वाले, रात को जगने वाले, ऐसे पशु बनते हैं। सत्वगुणी रजोगुणी भोजन जो करते हैं, रजोगुणी भोजन, तेज तीखा खाना, मिर्ची गोलगप्पे में चटका, हा पानी पी के मजा आ गया, मैं 50-50 तो मैं एक बार में खाता हूँ, और वो गोलगप्पा खाने के बाद वो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा, ये जो उड़ेल रहे हैं तीखा चटका ले लेके, इन्हें पुनः मनुष्य योनि में आना पड़ेगा और कर्मों के अनुसार दुख और सुख मिलेंगे। लेकिन सत्वगुणी भोजन है जो स्निग्ध हो, बहुत अच्छा हो, खाने में सॉफ्ट हो, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। आदमी कहता है हमारे घर भी लड्डू गोपाल तो है प्रभु जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्याज खा लेते हैं, थोड़ा। तो आप बताओ भगवान ने क्या कहा? हमारे कमांडर इन चीफ हैं भगवान कृष्ण, अगर वो इच्छा ना करे तो क्या खाना चाहिए? तो एक दिन मैंने पूछा किसी से, आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन? कहते हम तो मौकाटेरियन हैं, जैसा मौका मिलता वैसा उड़ा लेते हैं। तो मैंने कहा भगवान केवल उसको मिलते हैं जो कृष्णाटेरियन होता है, कृष्णाटेरियन यानी जो कृष्ण का उच्चिष्ट प्रसाद ही खाता है। अब कृष्ण क्या खाते हैं? अब घर में लड्डू गोपाल भी है, उनको तो लगा देंगे फ्रूट चिरौंजी दाना, और अपने लिए बनाएंगे मटर पनीर प्याज वाले, प्रभु जी प्याज बनता है तो ठाकुर जी को खिला नहीं तो मत बनाओ, वो मत खाओ जो भगवान न खाते। भगवान क्या खाते हैं? भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपारितम अश्नामि प्रयत आत्मनः। जो मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो पत्र दे दें, तुलसी पत्र दे दें, गोभी का पत्ता दे दें, सब्जी का पत्ता दे दें, मूली का पत्ता दे दें, पालक का पत्ता दे दें, पत्रम, या तो पुष्प दे दें, गुलाब का पुष्प दे दें, गेंदे का पुष्प दे दें, फूल गोभी खिला दे बना के मुझे, फूल दे दें, पत्रम पुष्पम फलम, या तो फल दे दें, केला दे दें, अंगूर दे दें, सेब दे दें, या तोयम जल और जल के पदार्थ, यानी जल का बना दूध, जल का बना जूस, जल से जो बना हुआ चीज़ वो मुझे दे दें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ति आप्रचर, जो भक्ति पूर्वक बड़े प्रेम से मुझे लगाते हैं उसे मैं अश्नामी प्रियत आत्मना, उनका मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। अब भगवान ने चार चीज़ें बोली हैं, अब जो भगवान ने बोली नहीं वो खाओगे तो पाप नहीं लगेगा। भगवान ने कहा अगर खाना होता कृष्ण ने तो कह देते अंडम लहसम प्याजम मांसम, कहते कि नहीं कहते?
कहा उन्होंने, कहीं लिखा है किसी ग्रंथ में, फिर भी खा रहे हैं। यानी कि हम भगवान ने भगवद गीता में कहा कि जो मुझे भोग लगाए बिना खाते केवल और केवल रात दिन क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। एक बार एक मैं प्रवचन दे रहा था तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो कहते हैं प्रभु जी मैंने आज तक जीवन में कोई पाप नहीं किया है। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ, बचपन से किसी की चोरी नहीं, कभी निंदा नहीं, किसी का झूठ नहीं, आज मैं 65 साल का हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने कहा मैं अभी आपका खुलासा कर दूंगा। मैंने भगवत गीता लिया, तीसरा अध्याय खोला, 13 नंबर श्लोक दिखाया, मैंने कहा ये पढ़िए। तो उन्होंने पढ़ा, तो पढ़कर कैसे चुप हो गए, मौन है, क्या हो गया? कह रहे तो फिर हमने पाप रोज किया, दिन में 3 बार किया है, क्योंकि भगवान को भोग लगा खा रहे। भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्चन्ते सर्व कल्भिषे, जो व्यक्ति मुझे यज्ञ में यानी भोग लगाकर खाता है, यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्चन्ते सर्व कल्भिषे, सारे कलमश से सारे पाप से वह मुक्त हो जाता है। भगवान का वचन, मेरा थोड़ी है कि इस कौन ने बना लिया, गीता मैंने लिखी, इस कौन ने लिखी। आप गीता प्रेस की पढ़ना चाहते हैं, रामसुख दास की पढ़ना चाहते हैं, आप विनोबा भावे की पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत का श्लोक तो नहीं बदल देंगे ना? संस्कृत का श्लोक बदल सकते हैं क्या? उठाइए गीता, अब पढ़िए उसमें क्या लिखा है, 3 अध्याय 13 नंबर श्लोक खोलिए गूगल अपना, यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्चन्ते सर्व कल्भिषे भजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ति आत्मकारणा, जो अपने लिए बजाते हैं केवल रोज पाप खाते हैं, दिन सारा दिन पाप खा रहे हैं। फिर कह रहे हैं हमने पाप कहां किया, 3 बार पाप कर रहे हो दिन में, लिखा है भगवान ने, पढ़ो गीता में। मैंने बोला नहीं, 5000 साल पहले भगवान ने बोला, महाभारत। अगर आप सनातन हो, भारतीय हो, हिंदू हो, तो खोल लो गीता, और नहीं हो तो फिर करो अपने मन की, प्याज खाओ, मसाले खाओ, गुटके खाओ, चटनी खाओ, जो खाना खाओ, मदिरा पियो, ड्रिंक करो, फिर क्या होगा, अधोगति। अधोगति तामस तमोगुणी व्यक्ति अधोगति में जाएगा। ये मैंने नहीं लिखा, ये भागवत कह रही है, भगवत गीता कह रही है, चेतन चेतामृत कह रही है, ये पुराण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं। हमने सबको किनारे कर दिया है, बस इंजॉय इंजॉय इंजॉय, पशु भी इंजॉय कर रहा है, 4 कुत्ते मिलकर आपस में इंजॉय कर रहे होते हैं कि नहीं, कीचड़ में बैठा सुअर इंजॉय करता है कि नहीं? अगर इंजॉय ना कर रहा होता तो मर जाता ना वो कीचड़ में लेटा है, इधर से कोई और सुअर का कोई फीमेल पार्टनर आ गया तो सूंघने लग जाता है, ये इंजॉय नहीं कर रहा होता तो कीचड़ में, क्या ये समझ पा रहा है कि मेरा जीवन कितना दुर्गंध से भरा हुआ है? उसके पास वो मति नहीं, उसके पास मति नहीं। एक दिन व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैं किसी के शमशान क्रिया पे गया था, तो मैं वहां खड़ा था चुपचाप, भगवान का भजन कर रहा था, इस आत्मा की शांति हो प्रभु, इसको अपनी शरण प्रदान करना, मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझसे कह रहा है आपने ये युवावस्था में ये वस्त्र ले लिए, ये ठीक किया आपने? मैं नहीं ठीक किया। तो कह रहा है कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं भगवान का सेवा करता हूं, प्रचार करता हूं, भागवत करता हूं। कह रहे कहां लिखा है भगवान ने कि मांस खाना छोड़ो, प्याज खाना छोड़ो? मैंने कहा आपने पढ़ा है ग्रंथ? नहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है। मैंने कहा क्यों, रात में ट्रांसफर हुआ तुम्हारा डेटा सोते सोते, कैसे पता तुमने? तो कहते इंजॉयमेंट ही तो करना है, मैं पीकर इंजॉय कर रहा हूं, आप ऐसे जीकर इंजॉय कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है आप में और मुझ में? मैंने कभी आपने सुअर को कीचड़ में पड़ा देखा है? कह रहा हाँ। कैसा होता है? कह रहा गंदा, दुर्गंध आती है कि नहीं? हाँ आती है। अगर आपको नहा धो के आप निकले और आपको छू जाए कोई कीचड़ का सुअर, आपको कैसा ले? आए है छी छी छी। मैंने कहा बस जितना भेद सुअर में और आप में है उतना ही मुझ में और आप में। क्या कर, जैसी युक्ति से प्रश्न उसी युक्ति से उत्तर। तो भगवान ने कहा मुचुकुंद तुमने क्षत्रिय होकर के कई जन्मों में कई बार पाप किए, हत्या करिए लोगों की, असुरों को मारा तुमने, उनको मारा, पशुओं को मारा क्षत्रिय होने के नाते, अब तुम्हें इस कारण से शास्त्र धर्म स्थित, क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म में थे, कोई बात नहीं, तुमने जंतुओं को वध किया है, तुमने कई सारे जीव मार दिए, जीव जंतु, अब मैं तुम्हें अगले जन्म में, हे राजन तुम अगले जीवन में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे। अभी मुक्त नहीं किया भगवान ने मुच्चुकुंद को, दर्शन देने के बाद भी, साक्षात दर्शन देने के बाद भी वैकुंठ नहीं मिला। क्या कहा? श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे, समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक
बनोगे और उसके बाद जब तुम ब्राह्मण बनके मेरे इस ग्रंथ का, मेरे इस ज्ञान का प्रचार करोगे तो अंत में माम उपेश्यसि ही केवलम, मुझे ही प्राप्त कर लोगे। माम उपेश्यसि ही केवलम, तो मुझे प्राप्त करो। इस प्रकार कहकर मुचुकुंद को भगवान ने कहा यहीं रहो, तपस्या में लीन रहो, भजन करो, अगले जन्म में ब्राह्मण बनो, फिर भजन करो, तब मेरे धाम को। इतना सरल नहीं है। ये राधे राधे कहेंगे तो श्याम चले आएंगे, राधे राधे पीछे पीछे श्याम आ रहे, किसने कहा किसने, आओ आओ मेरे धाम में आओ, फ्री सीट आओ, ऐसे थोड़ी होता है। मेहनत करनी पड़ती है, भजन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती, कल्याण करना पड़ता है, द्वेष रहित होना पड़ता है, निर्मल हृदय बनाना पड़ता है। ये लगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, इतवार, ये सब कर रहे हैं, स्वेटर बनाते बनाते ही पूजा कर लेते हैं अपनी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग। ऐसे नहीं, अपना जीवन केवल और केवल भगवान के शरण में चले जाएगा। आप सोचो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपको वापिस से संसार में पशु बन के जिस घर में आपने हलवे खाए थे उसी घर के बाहर आपको घूमना पड़ेगा। आपके जो बच्चे वो बड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे बेटा अंदर आने, तो कहेंगे मम्मा, अपनी मम्मा से कहेंगे मम्मा देखो कुत्ता घर में आ रहा है, हटो हटो, आपको गेट बंद कर देंगे, आप बैठे बैठे देखो मैंने बनाया था, मेरा ही मकान में आने नहीं देता मुझे, कैसा फील होगा आपको। और आपको ये सूत्र पता है फिर भी जानने के बाद ना करना, ये क्या है, जान पूछ करके जहर खा लिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विषु खाई नो, जान पूछ कर विष खा। एक तो था अनजाने में खा लिया जी, पता ही नहीं था गुरु जी क्या करते, इधर उधर जाते थे खा लिया, अब क्या करे, अब तो जान गए ना, सात दिन सुन लिया ना, अब तो अब भी नहीं करोगे तो फिर क्या कर सकते। तो इस प्रकार भगवान द्वारका चले गए। जरासंध ने कहा इसी पहाड़ पर होंगे कृष्ण बलराम, मुचुकुंद का जो धौलपुर का पहाड़ था उसमें आग लगा दी पूरे पहाड़ पर, कृष्ण बलराम जल के मर जाए। भगवान कृष्ण और बलराम को जब उसने जलाने की कोशिश करी, कृष्ण बलराम ने उसी पहाड़ से जंप मारी और समुद्र पार, मध्य समुद्र के मध्य में द्वारकापुरी जो स्थित थी उसमें जंप मार के सीधे भगवान द्वारकाधीश भगवान की, भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। आप कभी लड़ने गए हो और छोड़कर भाग गए हो, आपका नाम पड़ा है पेपर छोड़ू राय, नौकरी छोड़ू राय, अपनी किसी आपने कहीं गए हो कॉम्पिटिशन के लिए वहां हार गए हो और आपका नाम पड़ा है। लेकिन भगवान जो करते हैं, चोरी करते हैं तो माखन चोर, रण छोड़ते हैं तो रण छोड़ रहा है, जो लीला करेंगे या दिव्य लीला है, इसलिए कृष्ण की बराबरी संसार में ना कोई मनुष्य कर सकता है ना कोई देवता कर सकता है। ठाकुर जी ने द्वारका नगरी बनाई है और फिर ठाकुर जी ने 16108 विवाह किए हैं। 16108 विवाहों में से 8 विवाह 8 पटरानी है और 16100 नरकासुर की कैद में जो स्त्रियां थी उनको जब उद्धार किया, सबने पुकारा कि अब हमारे को कौन शरणागति देगा, तो ठाकुर जी ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम सुंदर होता है और जिसके सब कोई होते हैं उसका भी श्याम सुंदर ही होता है, लेकिन वो मानता नहीं है, श्याम सुंदर ही होता है। भगवान कृष्ण ने कहा तुम सबका मैं वरण करूंगा, सबको अपने रथ पर बिठाकर ले गए सत्यभामा के साथ और जाकर भगवान ने द्वारका में 16108 महलों की रचना करी और हर महल में हर रानी के लिए अपने रूप का विस्तार किया, मोटी को मोटा, पतली को पतला, काली को काला, गोरी को गोरा, जिसको जैसा चाहिए था। इस द्वारका नगरी में जब कृष्ण रहने लगे तो उनके एक मित्र हुए हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा रात दिन भगवान के भजन में रहते हैं, इनके पुत्र पुत्री हैं और सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के संगी हैं गुरुकुल के। जब उज्जैन में सुदामा भगवान के साथ में पढ़ाई किया करते थे गुरुकुल में, उस स्थान का नाम क्या है,
उज्जैन तो मैंने ही बोल दिया आपको, उज्जैन कौन सा आश्रम था? संदीपानी मुनि आश्रम, संदीपानी, संदीपानी मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम और सुदामा साथ पढ़ा करते थे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं। श्री शुक उवाच, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्राह्मवितम् विराक्त इन्द्रार्थेषु प्रशांतात्मा जित इन्द्रिया। प्रशांत शब्द का अर्थ है जिसका मन सदा शांत रहता है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, उसने अपनी इंद्रियों को जीता था। जितेंद्र का मतलब है जिसने इंद्रियों को जीता है, नाम होता है ना जितेंद्र प्रभु, जितेंद्रिया। प्रशांत मतलब जिनका मन सदा शांत, जिसका मन कभी विचलित कभी मिचलित नहीं, वह शांत नहीं है। प्रशांत शब्द का अर्थ है सदा शांत। तो ये कैसे थे? विरक्त इंद्रिया। सुदामा का नाम क्या है? विरक्त इंद्रिया, विप्र। सुदामा जी को क्या कहा है? कई लोग ब्राह्मण कहते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं, कौन है? विप्र सुदामा। विप्र कौन होता है? शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवे द्विज, वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। चार कैटेगरी हैं। पहला है जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से कौन है हम? जाति को कुछ भी कहें, जाति से ये हैं वो हैं, लेकिन है कौन जाति से? शूद्र है, जाति से शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रो, क्यों? मलमूत्र में पैदा हुए। ब्राह्मण मलमूत्र में पैदा होता है, कीड़े खा रहे पड़ा हुआ है, वहीं शुशु, वहीं सब कुछ बेड में हो रही है, लंगोटी बदली जा रही है, ये ब्राह्मण है, ये कौन है? शूद्र। मैं भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं ब्राह्मण कैसे हो गया? वो तो जाति से हुआ ना। जन्मना जायते शूद्र हो, वेद ने कहा, संस्कारात भवेद द्विज, जब संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, सीमांत कर्म संस्कार, नाल छेदन क्या कहते हैं उसको, जात कर्म संस्कार, नाम करण संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, अन्न प्रशन संस्कार, है ना, जब ये सारे संस्कार होते हैं, विवाह भी एक संस्कारों में आता है, फिर अंतिम संस्कार, इसलिए उसको अंतिम संस्कार कहते हैं, आखिरी है अंतिम संस्कार, उसके बाद कोई संस्कार नहीं होता, उसके बाद कर्म होता है पितृकर्म। संस्कार अंतिम हो गया यानी शरीर जल गया, यानी संस्कार शरीर के हैं आत्मा के नहीं है। अंतिम संस्कार कहा ना, अंतिम हो गया, 16 संस्कारों का अंतिम हो गया, अंतिम संस्कार जला दिया। जब पैदा हुआ उससे पहले, पैदा होने से पहले ही गर्भाधान संस्कार, 7वें महीने में सीमांतोनयन संस्कार, जन्म लेने पर नाल छेदन, जात कर्म संस्कार, पैदा होने पर नामकरण संस्कार। तो ये संस्कार जिसके होते हैं, संस्कारात भवेद द्विजः, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ धारण करना, कितने लोग जनेऊ धारण करते हैं, शिखा धारण संस्कार, कितने भारतीयों की शिखा है, जय श्री राम, 22 जनवरी को राम मंदिर, जय श्री राम, चोटी कहां है भाई साहब? कट गई बार्बर शॉप पे। हिंदू हो? कहां से हिंदू हो? कहां से हिंदू हो? गीता पढ़ते हो? नहीं। रामायण पढ़ते हो? नहीं। याद है कुछ? नहीं। कहां से हिंदू हो? नाटक करते हो हिंदू के। मुसलमान हर शुक्रवार को टोपी पहनकर शुक्रवार को रोड पर लेट जाता है, वो बेइज्जती महसूस करता है। ईसाई संडे को अपने बच्चों को लेकर चर्च जाता है, बेइज्जती महसूस करता है। इन्हें माला लेने में लोग क्या कहेंगे, तिलक लगाएंगे, तो हम ऐसे ही हैं पाखंडी। अपने को बदलो अगर उस भारत को बचाना चाहते हो, अपने घर को बदलो अगर भारत को बचाना चाहते हो, क्योंकि भारत का बदलाव घर घर से शुरू होगा। राम मंदिर बन गया, बड़े खुश हो गए, बोले राम आएंगे तो कुटिया सजाएंगे। राम पहले नहीं थे क्या?
अयोध्या में कोई मंदिर नहीं था क्या पहले? पहले जगन्नाथपुरी नहीं था क्या? रामेश्वरम नहीं था क्या? तो राम मंदिर बनकर कोई नया आ जाएगा क्या हिंदू? कोई बदलाव आएगा क्या आप में? ये बता दो मुझे, अभी एक यवन आ जाएगा, कोई प्रधान चेंज हो जाएगा, वो बोलेगा चर्च बना दो तो चर्च बन जाएंगे, मुसलमान बना दो मुसलमान बन जाएंगे, तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। चेंज कैसे होंगे? जब घर घर गीता तब घर घर में मंदिर होगा। आपको घर घर में मंदिर बनाना, अयोध्या में तो बने हुए हैं बहुत मंदिर, पहले तो एक और आ गया। ये उत्साह 15 दिन में शांत हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन जब हृदय में उत्साह उत्पन्न होगा तो वो शांत कभी नहीं होगा आपको, जब तक प्रभु से नहीं मिला देगा शांत नहीं होने वाला। हृदय के संस्कारों को जागृत कर, संस्कारात भवे द्विजा, यानी कि द्विज वो होता है जिसके संस्कार होते हैं। तीसरा है वेद पठेत भवेत विप्रह, वेद पढ़कर कोई विप्र बनता है, यानी सुदामा विप्र थे, वेद पढ़ते थे। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो परब्रह्म को जान जाता है कि कौन है, मैं कौन हूं, प्रभु कौन है, वही ब्राह्मण कहलाता है, अन्यथा ब्राह्मण नहीं है। कौन है ब्राह्मण बताओ आज के जमाने में? कितने लोग हैं रोड पर पूछ लो एक बार, क्विज मॉल में खड़े होके हु इज गॉड, 365 बता देंगे, 33 करोड़ भी बता दें तो भी क्या कम है। एक ने तो बोल दिया गूगल इज गॉड, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर देता है गूगल इज गॉड। लेकिन गूगल कौन सा उत्तर देता है? जितना उसमें डेटा लोड होता है उतना ही उत्तर देता है। बोले एआई आ गया है प्रभु जी, हमारे प्रभु जी बता रहे थे, बोले एआई आ गया है सारे प्रश्न के उत्तर दे सकता है। एक दिन खोलकर बैठे थे है जितिन प्रभु, तो मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा प्रभु जी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बताना, फिर चेक करते रहे, कह रहे डेटा अपलोडेड नहीं लग रहा इसमें, हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है क्या? Nobody is God, Krishna is God, Krishna is the supreme personality of God। हर प्रश्न। सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते थे, इंद्रिय निग्रहण किया था, अपनी इंद्रियों को वश में किया था और वैराग्य को धारण किया था, ऐसे विप्र रात दिन पाठ किया करते थे। गुरु की कृपा से उन्हें भगवान कृष्ण का संग पाने का मौका मिला था, लेकिन सुदामा के घर में खाने की कमी थी। कई बार लोग उन्हें कहते हैं गरीब थे सुदामा, ये बिल्कुल गलत बात है, सुदामा कभी भी गरीब नहीं थे। कौन सा विप्र है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा भक्त है जो गरीब होता है? उसके पास हरि नाम रूपी खजाना होता है, जिसके पास हरि नाम है उसके पास किसी चीज की कमी है। क्या गरीब है, किस चीज की गरीबी है? गरीब कहां थे? कथावाचक बोल रहे गरीब ब्राह्मण कहां गरीब थे? उन्होंने वैराग्य धारण किया था, उन्हें चाहिए नहीं था। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं लंदन से पढ़कर आया हूं, 2010 में 2.5 लाख रुपए महीने की सैलरी थी, आज मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं है तो क्या मैं गरीब हो गया? मैंने अपनी इच्छा से त्यागा है ना, मैं गरीब हो गया? गरीब को बिठा के कथा सुनते हैं, सोचो अगर कोई रिक्शे पे चल रहा है तो वो गरीब नहीं है, उसने अपनी इच्छा से रिक्शा, मैं रिक्शे पे चलता हूं अपनी इच्छा से चलता हूं, देने वाले गाड़ी लेकर खड़े बोले प्रभु जी गाड़ी ले लो, नहीं चाहिए, हमारा घर आपका घर है, नहीं चाहिए। तो मैं तो सुदामा के रंचमात एक चरणों की धूल का एक कण भी नहीं हूं, सुदामा इतने भारी भक्त हैं भगवान के, आप उनको गरीब कहते हैं? फिर नाटक करते हैं, जब ब्राह्मण सुदामा गए वहां पे धक्के मार के निकाल दिया, फटे कपड़े, तन पे ना रोटी तन पे ना कपड़ा, ऐसे दीनहीन सुदामा, ऐसे नाटक करते लो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पर सुदामा गरीब आ गया है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नो वेयर इट इज रिटन, कहीं नहीं लिखा भागवत में कि गरीब थे। सुदामा विप्र हैं, वेद पाठी हैं, वैरागी हैं, इंद्र निग्रहण किया है, उन्हें चाहिए ही नहीं कुछ भी, उन्हें चाहिए नहीं। सुदामा की पत्नी कहती है तुम्हारे मित्र हैं तुम उनसे मिलाओ। कृष्ण के मन में आता है मित्र तो हैं, सम्राट हैं, द्वारकाधीश हैं, लेकिन मैं गया कहीं उनके मन में ये ना आए मांगने आया है। देखिए मांगने आया है, ये वृत्ति भी भगवान को दुख कर दे देगी कि हाय सुदामा मैं तो तेरे बारे में तब से सोच रहा हूं पर तू लेता नहीं है और आज तू मांगने आया, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अगर मन में भी सोच लिया तो मेरी सारी भक्ति खराब हो जाएगी,
पत्नी कहती है मांगने मत जाओ, मिलने तो जा सकते हो। बोला हाँ मैं मिलने जाऊंगा। इसलिए चार घरों से मांग करके अलग अलग तांदुल, यानी कि टूटे हुए चावल, एक होता चावल बासमती राइस, टूटा तिनका, घरों से चार घरों से, यानी घर में चावल भी टूटा चावल भी नहीं, चार घरों से लाल काला सफेद पीला आता है ना कलर के चावल, जो सस्ते चावल होते हैं उनमें देखेंगे आप कलर भी होते हैं, टूटा राइस क्रीम कलर के होते हैं, कभी काले हो जाते हैं कभी लाल फंगस लगे, ऐसे चावल चार घरों से मांग के लाई, पोटली बांध कर मिक्स करके इसे ले जाओ आप। भगवान कृष्ण के पास सुदामा पहुंचे चार घरों के तांदूल लेकर के। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं ब्राह्मणों का हितैषी हूं, इसलिए द्वारपालों कभी कोई ब्राह्मण दिखे उसको द्वार पर रोका तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम जान से जाओ। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से सुदामा जी को कृष्ण ने अपने पास बुलाया। लेकिन देखिए भगवान के वैकुंठ द्वारका में सात द्वार होते हैं, सेवन वेट्स। तो पहले द्वार पर उन्होंने पूछा द्वारपालों ने कौन है, तो उन्होंने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। तो हंसे होंगे मित्र देखा मित्र अच्छा कौन से मित्र हो, कहा मैं उनके साथ पढ़ता था गुरुकुल में, वो मुझे जानते, केवल आप उनको मेरा नाम बता दो, विप्र सुदामा है। जब विप्र कहा तो वो समझ गए भगवान का आदेश है, तो उन्होंने गेट खोल दिया, बोले जाइए अंदर। और एक घोड़े पे घुड़सवार इससे पहले कि ये अंदर पहुंचे कृष्ण के पास गया। हे द्वारकाधीश, भगवान बैठे थे अपनी रानियों के साथ, सुदर्भा समा कहते, सुदर्भा सभा, सभा चल रही थी बैठे कृष्णगढ़। तो घुड़सवार आया, घोड़ा रोका, गेट पे अंदर गया। हे द्वारकाधीश, द्वारकाधीश ने कहा हाँ बोलो वत्स कैसे आए, कहा प्रभु आपके कोई मित्र आए हैं। मित्र मेरा कौन सा मित्र, कहा अपना नाम सुदामा बताते हैं। भगवान कृष्ण का सुदामा, अरे कब से चिंतन कर रहा हूं कब आएगा, आज आ गया सुदामा। प्रभु भागे, अपने गेट से निकल अपनी गद्दी छोड़ करके भागे। जब भाग रहे हैं मुकुट घड़ घड़ करके नीचे गिर गया। रानियां कह रही अरे महाराज द्वारकाधीश आपका मुकुट, कृष्ण सुन नहीं रहे, पटका जो है उनका जो डाला था ऐसे हाथ में डालते ना राजा लोग ऐसे, वो गिर गया खुल करके, बालों में जो फूल लगे थे गिर गए, गले की माला निकल कर गिर गई। ठाकुर जी भाग गए, सुदामा 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 सुदामा। उधर सुदामा धीरे धीरे आ रहा डरता हुआ, कृष्ण ने अच्छा महल बनाया है, कृष्ण अच्छा इतना बड़ा है, बड़ा सम्राट है, धीरे धीरे आ रहा है। और जब कृष्ण ने देखा सुदामा को, सुदामा ने देखा कृष्ण को, कृष्ण सुदामा, दोनों का आलिंगन हुआ और दोनों अश्रुपूरित नेत्र से एक दूसरे को खूब प्रेम करने लगे। ओ कृष्ण कहाँ थे, ओ सुदामा तुम कहाँ थे, चलो मेरे साथ। कृष्ण ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर सीधा व्यास आसन पर पहुंच गए, सुदर्भा सभा की। सारी सभा में लोग बैठे हैं, ठाकुर जी ने ले जाकर सीधा सुदामा को गद्दी पर बैठा दिया। यहां बैठो तुम, ये तुम्हारा, नहीं मैं द्वारकाधीश थोड़ी हूं। कहा द्वारकाधीश नहीं हो तुम, द्वारकाधीश के हृदय में रहने वाले हो, यहां रहो मेरे मित्र, यहां बैठो। अगर वो गरीब था भिखारी था, द्वारपाल मार रहे थे, तो कृष्ण संहार नहीं करेंगे अपने मित्र का ऐसा दुर्व्यवहार देख के, मार डालते अपने सैनिकों को। जो अपने संकल्प शक्ति से जान लेते हैं उनको नहीं पता क्या हो रहा है बाहर, लीलावश प्रभु कुछ ऐसा कर। तो किसी ने उनको रोका नहीं, लेकिन कृष्ण भागे। पह सातवें द्वार से धीरे धीरे सदामा गए थे, उनको पकड़ कर ले आए और हाथों में जल लेकर के एक परात मंगवाई। रुक्मणी परात में क्या हो, क्यों मित्र का स्वागत कैसे किया जाएगा। परात रखकर उसमें चरण रख दिए और ठाकुर जी ने उनका अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। सुदामा रोते जा रहे हैं, अरे कृष्ण ये क्या कर रहे हो कृष्ण। अब भक्त का अगर भगवान अभिषेक करें तो भक्ति की ऐसी अंदर स्थिति होगी और बोल कुछ सकते नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते कृष्ण। शिव जी का अभिषेक राम जी ने कर दिया अगर रामेश्वरम में,
तो लोग बोले शिव जी भगवान है, राम जी ने उनका अभिषेक किया था, तो सुदामा का अभिषेक तो कृष्ण ने किया, तो क्या सुदामा भगवान है? ये तो भगवान की वात्सल्यता है, जब राम रूप में आते हैं तो शिव के प्रेम में उनका अभिषेक करते हैं, जब कृष्ण रूप में आते हैं तो सुदामा का अभिषेक करते हैं, क्या भिन्नता है इसमें? अभिषेक किया, सारी रानियों को बुलाया, उसका जल लेकर ठाकुर जी ने अपने पूरे फैमिली पर छिड़काव कर रहे हैं। सब हैरान है कि द्वारकाधीश जिनके ऊपर कोई नहीं है वो कौन सा जल हमारे ऊपर डाल रहे हैं। 16108 सारी रानियां खड़ी होकर नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगी, पंखा करने लग गई। सुदामा को पहली बार किंगली फील हो रहा था, राजसी अनुभव। कृष्ण से कहते हैं सुदामा से, सुदामा शादी कर ली? सुदामा कहते हैं हाँ मित्र कर तो ली, सुशीला नाम की एक सुशील कन्या थी उससे हुआ। अच्छा कहाँ रहते हो? पोरबंदर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बुलाया नहीं तुमने? अब मैं क्या करता, तुम इतने बड़े, तुमसे मिलना नहीं हो पाया तो क्या मैं करता, कार्ड वार्ड तो कुछ छपे नहीं, हमारे तो ऐसी सादा जीवन सादा विचार हमारी हो गई, सादा जीवन ऊंचे विचार हमारे ऐसी हो गया। और कृष्ण तुम्हारी हुई? कृष्ण कहते हैं हाँ, जितनी दिख रही हैं सब हमारी हैं। 16108 करे हाँ करे कृष्ण, मैंने एक में नहीं बुलाया तो पूछ रहे थे, तुमने 16108 में किसी में नहीं बुलाया। कृष्ण बोले मेरे तो विवाह आयोजन नहीं हुए हैं, मैंने तो कभी भागा हूं कभी तोड़ा है, कभी भागा हूं कभी खींचा है, कभी गिफ्ट में मिला है, मैंने आज तक कोई विवाह प्लानिंग से नहीं किया, सारे विवाह मेरे कृपावश हुए हैं, जिस जिस स्त्री पर मैंने कृपा करी उसको अपना संरक्षण देकर अपनी विवाहिता स्त्री बनाया है। ठीक है ले आए, कुछ खाओगे? नहीं बस कृष्ण चलूंगा मैं, तुम्हारे दर्शन हो गए। अरे अरे ऐसे कैसे, मित्र आए हो तो कुछ तो खाओ। तो खाने के लिए पहले रुक्मणी जी ने शरबत दिया, धूप में चलकर आए तो शरबत लिया, तब सत्यभामा बोली इन्हीं का लेंगे हमारा नहीं लेंगे, तो उन्होंने फिर एक सत्तू का शरबत दे दिया वो पी लिया। फिर इधर से भद्रा आ गई, बोली हमारा नहीं लोगे? तो बोले इतना तो नहीं ले पाऊंगा। कृष्ण बोले अरे 16108 है, इतनी जल्दी क्या है, बहुत पीना है अभी तो। तो सुदामा बोले बहुत मुश्किल हो जाएगा ये तो। बोले देखो अपमान तो नहीं कर सकते किसी भाभी का, तो लेना तो तुमको पड़ेगा। ठीक, खिलाने की वस्तु, खिलाने के लिए वक्त आया, बोले खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खा लिया रुक्मणी जी का बना हुआ। फिर सत्यभामा ने हमारा हमारा एक लड्डू तो हमारा भी, एक लड्डू तो हमारा, सब ने प्रेम से खिलाना शुरू किया। कालिंदी आ गई, मित्र विंदा आ गई, हमारा हमारा हमारा। सुदामा कहते बस बस, जो चावल का पानी पीकर रहता था उसको 6 लड्डू खिला दिए। कृष्ण से कहता अब और नहीं। कृष्ण कहते हैं अरे 16108 है। सुदामा कहते बहुत मुश्किल हो जाएगा, कृष्ण नहीं हो पाएगा। अच्छा ये तो बताओ हमने तुम्हें खिलाया, तुम भी तो आए हो, जितना प्रेम मेरी पत्नियां तुमसे कर रही हैं उतना ही प्रेम तो मेरी भाभी भी मुझसे करती होंगी, तुम्हारी पत्नी कुछ तो लेके आए होगे। नहीं नहीं अब इतना ऐश्वर्य देखकर दिखाएं कुछ, चुप। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो क्या है पीछ में पीछे पीठ में छुपा रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ। कृष्ण कहते दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हाँ ये ला ला, हे मित्र मेरे लिए लाए हो ना, मुझे बहुत खुशी है तुम मेरे लिए कुछ प्रसाद लाए हो। ये बात तो सत्य है कि मैं इतने से तांदुल से प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरी भाभी ने बनाकर भेजे, खोला और भगवान ने इति मुष्टिम सकृत जगदवाह दुत्यम जगदुम आददे तावत् श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई और खाते ही कहा सारे ब्रह्मांड को संतुष्ट करने वाले सुदामा, एक एक तांदुल के दाने में ब्रह्मांड को संतुष्ट करने का प्रेम छुपा है, जाओ समस्त कोटि ब्रह्मांड में तुम्हें देता हूं। दूसरे हाथ फिर खाया, बोले सारे ब्रह्मांड दे दिए, अब ब्रह्मांड पति जो है अगर ये वैकुंठ भी दे देंगे हम कहां जाएंगे। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया और महाराण रुक्मणी ने कहा हे ब्रह्मांड के आत्मा परमात्मा स्वामी श्री कृष्ण, इस जगत में
अगले जगत में सभी प्रकार के संपदा दिलाने के लिए ये पर्याप्त है, इसके लिए बहुत हो गया। किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर करती है, अगर आप संतुष्ट हो गए तो दूसरी मुट्ठी क्यों खा रहे हैं। भगवान बोले ठीक है, रुक्मणी तुम कहती हो तो भगवान कृष्ण ने कहा मैंने को रोक दिया है, तुम्हें तो खाओगी। रुक्मणी को बुलाया, सत्यभामा मित्र वृंदा कालिंदी सब आओ इधर आओ, भद्रा इधर आओ, लक्ष्मण आओ, सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा दिया और कहा अब जो थोड़ा सा बचा है इसको पीसो और 16108 में बांटो और फिर जो बचे उसको पीसो और पूरे यदुवंशियों 10 करोड़ लोगों में बांट दो, लेकिन सुदामा का जो महाप्रसाद है सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इतना प्रेम भरा है इस प्रसाद में, क्योंकि प्रसाद में जो है ना उसके पीछे की जो वृत्ति है, जो चेतना है, वही मुख्य है। छोले भटूरे वाला रोड पर बना रहा है, वो बना रहा है बिना नहाए वॉशरूम जाके आ गया, नहाया भी नहीं है, कढ़ाई लड़ाई उसने जल्दी, हाँ बाबूजी कितने चाहिए, एक प्लेट देना 50 रुपए लोड़ा भटूरे। इसके भटूरे बहुत अच्छे, भीड़ लग जाती है संडे के दिन, बड़े भटूरे बहुत अच्छे होते हैं। नहाया नहीं है, वॉशरूम जाकर उसने हाथ धोए कि नहीं धोए, खुद को भी धोया कि नहीं धोया, चला आया बना रहा है छोले भटूरे। हल्दीराम पे तो खा सकते हैं ना प्रभु जी, अंदर जब किचन देखो गया जहाँ बनता है, वो जो बनाने वाला क्या वो नहा के आया है, क्या उसकी वृत्ति है, मुंह में डाला क्या चौमीन, अच्छा लो चेतना से चौमीन बना रहा है और बनाते बनाते गाना भी गा रहा हम रगोम उसमें गिर गया। कोई जलेबी बना रहा है हलवाई, बढ़िया जलेबी बनाते ना बड़ी खर्ची से, वैसे वैसे लड्डू बहुत हमारे स्पेशल जलेबी है, उसने वैसे लिया शिक, चेतना कैसी उसकी, उसको जुकाम है, भाप के पास खड़े होके प्राणायाम कर रहा है, जलेबी गर्मा गर्म अग्रवाल स्वीट्स, आपको थोड़ी पता है कौन सी में क्या चेतना आ रही है, कैसी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वो आपको परोसा जा रहा है, आप जानते हैं। इसलिए सोच समझ करके भोजन खाना चाहिए, ठाकुर जी को अर्पित करो अपनी चित्त वृत्ति से कि प्रभु ये आपके लिए बना रहे हैं, अपने परिवार के लिए बना रहे हैं। लोग कहते हैं अभी तक इस संसार में लेडीज जो होते माता है वो अच्छा भोजन बनाती, लेकिन एक चीज कोई भी माता अच्छी नहीं बना सकती, क्या दाल, क्यों नहीं अच्छी बना सकती। हर व्यक्ति ये कहता है तेरी दाल ना मेरी माँ की दाल जैसी नहीं, तो सोचो कितनी माएँ हो चुकी हैं अब तक परंपरा में, सारी माओं से अगर रिड्यूस हो रही है क्वालिटी, तो आज की जो माँ होगी उसकी कितनी बेकार क्वालिटी हो चुकी है दाल, क्योंकि हर आदमी यही कह रहा है मेरी माँ की दाल तेरी दाल से अच्छी। तो इसलिए हमें चित्त वृत्ति पर काम करना चाहिए, जब भी बनाएं कीर्तन लगा लें, कथा लगा लें, यूट्यूब में ये कथा आपको मिल जाएगी, आप नाम डाल दीजिए खाली तो आपको मिल जाएगी, प्रशांत मुकुंद दास लिख देंगे कथा मिल जाएगी, आप चला दीजिए कथा सुनते रहिए, उसी भाव से भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए खाइए, हमने खाने से थोड़ी रोका है, आप बस गंदा खाने से रोका है, हमने खाने से नहीं रोका। तो भगवान ने सुदामा को वस्त्र दिए, रात को रुकवाए और अगले दिन सुदामा को विदा करने लगे, लेकिन ठाकुर जी ने उसको कुछ भी नहीं दिया, एक रुपया नहीं दिया ठाकुर जी ने, एक कपड़ा नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया। लेकिन सुदामा के मन में भी नहीं था, सुदामा सोच रहे थे शायद इसलिए नहीं दिया कि अगर दे देगा तो मेरा भजन भंग हो जाएगा, तो मेरा मित्र मुझसे प्रेम करता है, मेरे भजन को बचाने के लिए इसने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन भगवान ने क्यों नहीं दिया, भगवान का भाव क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान का भाव क्या है, इधर उधर देखना है आपको, कुछ देखना है स्पेशल हो रहा है कि नहीं, कुछ आंखें उधर जा रही है, क्या हो रहा है इधर, आपको देख रहे राहुल प्रभु बैठ जाओ, क्योंकि इनके नेत्र जल्दी घूम जाते हैं, भगवान में कम जाते हैं, उधर जाते हैं इधर उधर, यहाँ एक आग लगाने वाला ले आओ फू सब देखने लग जाए, वीडियो निकाल के कैमरा में, वृत्ति ऐसी है ना व्यक्ति की भगवान के प्रति लगती नहीं। तो सुदामा ने नहीं पाया, तो सुदामा प्रसन्न हुए कि मेरी भक्ति बचाई, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं दिया, भगवान का भाव क्या था। भगवान बोले कि मैं जो कुछ भी दूंगा, मैं समस्त कोटि ब्रह्मांडों का मालिक हूं, जो भी दूंगा वो ब्रह्मांड का मालिक देगा ना, यानी इस ब्रह्मांड ही तो दे सकता हूं, इससे ज्यादा क्या दे सकता हूं, तो जो मैं दे सकता हूं वो मेरी क्षमता के
अंदर है, जो दूंगा वो मेरी क्षमता के अंदर है, क्योंकि भगवान असीमित अक्षमताओं के भरे हुए हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो बोले मैं जो भी दूंगा मेरी क्षमता के अंदर है। लेकिन सुदामा जो लाया था वो अपनी क्षमता से बाहर लाया था, क्योंकि इसके पास तो तांदुल भी नहीं थे, ये तांदुल मांग कर लाया था। अगर मैंने इसको अपनी क्षमता में दे दिया तो बराबरी का व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि ये क्षमता के परे लाया है और मैं क्षमता के अंदर दूंगा, इसलिए दिया नहीं। तो सुदामा चल दिए वैरागी भाव में। जब सुदामा पहुंचे वापस अपने पोरबंदर, जिसे आज सुदामापुरी कहते हैं, वहां देखा एक बड़ा महल है और उस महल के अंदर रत्न जनित खंबे हैं, सुंदर मणियों के बने हुए पलंग पड़े हैं, मार्बल फर्श लगे हुए हैं। उसमें सुदामा खड़े होकर बाहर पूछते हैं, जी मेरी कुटिया होती थी यहाँ एक छोटी सी, जैसे कभी कभी होता है ना प्रॉपर्टी वाले वो पुरानी कुटिया हटा के वहाँ जमीन एक्वायर करके बिल्डिंग बना देते हैं। तो उन्होंने कहा, जी भाई लैंड इन्फोर्समेंट का कोई प्लान केस ना हो लैंड इन्फोर्समेंट का, लेकिन मेरी कुटिया थी। द्वारपालों आपने कोई देखा? बोले हट हट, ये तो महाराजा सुदामा का महल है। कह रहे हो सकता है कोई महाराजा हो मेरे नाम के, जिनका महल रहा होगा, मैंने कभी देखा नहीं। पर महाराज द्वारपालों से, महाराज जी मेरी भी कुटिया तो थी। बोले वो हमको पता नहीं, अपनी कुटिया अपने आप जानो। तो आवाज सुनी तो बच्चे बोले पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। तो माई जो थी उनकी उतनी, पत्निम विक्षया विस्फूरंतम देवीम विमानिकीम इवा दासिनाम निष्ककंठिनाम मध्ये भांतिम सविस्मतः। ऐसा लग रहा था कोई देवी उतर आई है, देखकर विस्मित हो गए सुदामा। गले में लॉकेट है, सुंदर सिल्क की साड़ी पहनी है, मुख पर इतना सुंदर चंदन लगाया है, बच्चे भी सुंदर परिधान में, पिताजी पिताजी सब दौड़े आ रहे हैं। पत्नी बोली, आइए महाराज आपका सुंदर स्वागत है। राजसी चमर पंखे होने लग गए, सुनहरे सिंहासन पर बिठाया गया, मुलायम गद्दे तथा मोती के जो बड़े बड़े लड़ लटकते हुए चमकते हुए उनके गले में पहनाए गए, फिटक की दीवाले हैं, ये क्या हो गया? जब सुदामा ने घर से निकलना शुरू किया और भगवान के पास जाए भी नहीं थे, तभी भगवान ने पहले ही सुदामा पूरी बना दी थी, मांगने की जरूरत नहीं थी, पहले ही बना दी थी। लेकिन वहां पर उसके चाबी नहीं दी घर की, क्योंकि अगर दूंगा कुछ तो वो केस आ जाएगा, क्षमता से ज्यादा नहीं दे पाया, इसलिए भगवान ने वहां पर अथॉरिटी लेटर नहीं दिया, कोई एमओयू नहीं किया, सीधा सीधा एमओयू के बिना ही सुदामा चले गए। वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा, जी आप मालिक हैं। भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं, किंतु अपने शुभचिंतक भक्त द्वारा की गई तुच्छ सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं। आप कोई अपराध करेंगे पहाड़ जैसा, भगवान देखेंगे राई जैसा, आप करेंगे सेवा राई जैसी, भगवान देखेंगे पहाड़ जैसा, ये भगवान की वृत्ति है। एक मुट्ठी तांदुल में ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया, इसीलिए हमने अपने मंदिर निर्माण का नाम रखा है सुदामा सेवा, कि आप एक ईंट ठाकुर जी के मंदिर में लगा देंगे तो ठाकुर जी आपके लिए सुदामा पूरी बना देंगे। कृष्ण ने सदा ब्राह्मणों को अपना गुरु स्वीकार किया है, और सुदामा में ऐसा भाव जागृत हुआ, सुदामा ने उस घर का त्याग कर दिया। सुदामा बोले अपनी पत्नी से, तुम रहो, तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारे बच्चों की इच्छा थी, लेकिन मैं इस राजसी राजपाट में रह नहीं पाऊंगा। तो सामने कुटिया तैयार करी घर के बाहर, जिसे कहते हैं कुटीचक सन्यासी, कुटी बाहर बनाकर, प्रसाद घर से आएगा लेकिन रहेंगे सादा जमीन के ऊपर सोकर के। तो सदा सुदामा बाहर रहे, महल में नहीं रहे। एक बार दिया भगवान ने, लेकिन उन्होंने उसको भी स्वीकार, ये थे सुदामा, ये वैराग्य था, ये भक्ति थी उनकी, क्योंकि वो ब्राह्मण है, विप्र है, भगवान उनके उनके सेवक है। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों पर सदा ही कृपा दृष्टि दिखाता हूं, अपने भक्तों पर। तो जो भी भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति दया का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, जो भी इस प्रसंग को सुनेंगे उनमें भगवत प्रेम उत्पन्न होगा और वो इस संसार के भौतिक कर्म बंधनों से छूट जाएंगे। सुदामा की श्रुति फल है, जिसने ये कथा सुनी है उसमें भगवत प्रेम उत्पन्न होगा और इस संसार के भौतिक कर्म बंधन से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। बोलो सुदामा विप्र की।
कभी ठाकुर जी के सुदामा जी के दर्शन होंगे आपके सामने, सुदामा और कृष्ण की झांकी। सुदामा भजन गा रहे हैं, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कली मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कली मलहारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाल, सुंदर कुंडल नयन विशाल, सुंदर कुंडल नयन विशाल, सुंदर कुंडल नयन विशाल, गाल सोए वैजंती ही माला, गाल सोए नहीं लगाएंगे, सुदामा ऊपर बैठेंगे कृष्ण नीचे बैठेंगे, यही तो भक्त है, भक्त ऊपर भगवान नीचे। हाँ सुंदर कुंडल उनके पैरों में, हाँ ये भाव है, सुंदर कुंडल नयन विशाल, सुंदर कुंडल की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम, याचव की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम।
मुरारी राधे श्याम 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 ग्वाल बाल संग धेनु चरायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो कबहु कबहु मधुवन रास रचायो कांधे कामर काली राधे श्याम 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 कांधे कामर काली राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 हरे